हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जीके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीएफ से बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ वो अभी सिक्स्थ सेमेस्टर में। उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, और इसके अंदर एक बुक जिसका सब्जेक्ट भी कह सकते हैं वो अपनी पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपके एग्ज़ाम में 100% जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो कौन कौन से हैं जिसके चांसेस 100% है, और उसकी जो नोट्स के साथ एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जोड़ देखना। तो चलते अपनी वीडियो की ओर एंड शुरू करते अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि नीति विश्लेषण से आप क्या समझते हो। नीति विश्लेषण का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखो, ये बड़ा टॉपिक है लेकिन बहुत इजी टॉपिक है, क्योंकि इसके बारे में हम फोर्थ सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हैं कि लोक नीति क्या होती है, ठीक है, नीति क्या होती है। बाकी इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो थी वो फोर्थ सेमेस्टर में हमने पढ़ ली है, बस हमें रिवाइज करना है। तो नीति विश्लेषण के बारे में सबसे पहले हमें बताना है, ठीक है, जो भी नीति बनाई जाती है उसका विश्लेषण, मतलब जांच पड़ताल से आप क्या समझते हो, और इसका आलोचनात्मक परीक्षण, मतलब उसके बारे में प्रकार वगैरह जितनी भी चीज़ें वो आपको लिखनी है। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं। बाकी इसमें 5 से 6 क्वेश्चन होंगे तो उसके थ्रू कम्प्लीट हो जाएगा। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे नीति क्या है। नीति विश्लेषण में जो अपना नीति वर्ड है उसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे, और बिल्कुल जो सिंपल लैंग्वेज है उसमें लिखा हुआ है मैंने, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। नीति क्या होती है? देखो, नीति बनाना सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है, ठीक है। सरकार क्या करती है, जब भी कोई सरकार आती है तो वो कोई ना कोई नीति साथ में लेकर आती है, और साथ ही साथ कोई ना कोई नीति जो है वो बनाती है जब तक उसका कार्यकाल चल रहा होता है, ठीक है, जिससे वह अपने निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाती है, ठीक है। जो भी उसका उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए उसको वो क्या करती है, यूज़ करती है, उस नीति का प्रयोग करती है, और साथ ही साथ वो जनता के लिए क्या करती है, कोई ना कोई नीति बनाती है। या फिर ये कह लो कि कोई भी व्यक्ति अपना कार्य को पूरा करने के लिए क्या करता है, नीति बनाता है, ठीक है। तो वर्तमान राज्य व्यवस्था का उद्देश्य जनता की देखभाल करना है, और उसके मूलभूत, मतलब जो उसके मेन या आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना, ठीक है। वर्तमान राज्य व्यवस्था का उद्देश्य यही है, जनता की देखभाल करना और उसकी मेन जो आवश्यकता है उसको पूरा करना। इन्हीं सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रत्येक सरकार एक नीति को बनाती है, और उसी के आधार पर अपने कार्यों का निष्पादन करती है, उसको चलाती रहती है। वर्तमान समय में अगर आज की बात करें तो नीति शब्द का प्रयोग समाज के अलग अलग वर्गों, जैसे कि शिक्षाविदों, चिकित्सकों, मतलब डॉक्टर, गैर सरकारी संगठनों, छात्रों और नीति निर्माताओं के द्वारा अलग अलग चीज़ों के लिए किया जाता है, जिससे नीति शब्द विद्यार्थियों और शोधार्थियों के बीच में भ्रमित करने वाला शब्द, मतलब एक होपलेस करने वाला जो है शब्द वर्ड वो बनकर रह गया, और ख़ासकर इसकी परिभाषा को लेकर। लेकिन साधारण शब्दों में कहे तो नीति नियमों का क्या होता है, एक समूह है। नीति जो होता है वो नियमों का क्या, एक ग्रुप है, जिसके द्वारा सरकार अपने उद्देश्य को पूरा करती है। तो नीति की डेफिनेशन सबसे नीचे दे रखी है, बाकी ऊपर का क्या है, बेस है, उसको आप रीड कर सकते हो, समझ सकते हो। देन उसके बाद बोला गया नीति और नियम में क्या अंतर होता है। देखो, नीति और नियम क्या होते हैं, थोड़े बहुत अलग होते हैं, तो वो देखते हैं उनमें डिफरेंस क्या बताया गया। नीति गतिशील तथा लचीली होती है, जबकि नियम विशेष तथा कठोर होते हैं। नीति जो होती है वो गतिशील होती है, मतलब ये परिवर्तनशील होती है, उसको बदला जा सकता है, और लचीली होती है, ठीक है, ज़्यादा कठोर नहीं होती है। जबकि नियम जो होते हैं वो विशेष, मतलब स्पेशल होते हैं, दूसरी बात कठोर होते हैं, ठीक है, जिनका पालन करना ही पड़ता है। फिर नीतियाँ नियमों की अपेक्षा विस्तृत होती है, नीतियों का जो क्षेत्र होता है वो नियमों की अपेक्षा, नियमों की अकॉर्डिंग या कंपेरिजन में क्या होता है, बड़ा होता है। इनका वर्णन अधिक साधारण भाषा में किया जाता है। नीतियाँ तो कार्य करने के लिए मार्गदर्शिका होती है, ये क्या करती है, एक जो वे है वो दिखाती है, जबकि नियम विशेष रूप से ये बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं किया जा सकता। नियमों के पीछे सामान्यतः आमतौर पर बताए गए विशेष दंड होते हैं, ठीक है। नियम कभी भी बनाए जाते हैं तो उसके पीछे अगर उसको फॉलो नहीं करते तो उसके लिए दंड भी बनाए जाते हैं जो विशेष होते हैं, परंतु नीतियाँ बिना किसी विशेष और पूर्व निर्धारित दंडों के साथ को साथ लगाए तथा उनमें परिवर्तन के स्थान रखती है, ठीक है। तो इस प्रकार नियम और नीति में कुछ अंतर है वो आप लिख सकते हो। और इसके बाद नीति लोक नीति कैसे बनती है वो हम देखेंगे। तो देखते हैं नीति जो है वो लोक नीति कैसे बनती है। अगर मोटे तौर पर समझने का प्रयास करें
ठीक है। अगर मोटे तौर पर समझने की प्रयास करें कि कोई भी नीति लोक नीति कब बनती है, तो हमें इस अर्थ में समझ सकते हैं, तो जो ये अर्थ जो इसमें बताया गया उसके तौर पर हम समझ सकते हैं, जब किसी नीति को राज्य या उसके संस्थानों के द्वारा अपनाया, कार्यान्वित या चलाया जाता है और लागू किया जाता है, तो वह लोक नीति का रूप धारण कर लेती है। देखो, कोई भी नीति अगर सरकार के अंडर में आ जाती है या सरकार उसको बनाती है, और कोई संस्थान आ जाती है सरकार की, ठीक है, वो उसको बनाती है या फिर लागू कर देती है, तो वो नीति क्या बन जाती है, लोक नीति का रूप धारण कर लेती है। तो बस सरकार की वजह से कोई नीति लोक नीति में बदल जाती है। थॉमस आर डाई के शब्दों में, कोई भी नीति अनिवार्य रूप से लोक नीति तभी बनती है जब राज्य उसे वैधता या फिर कानूनी रूप प्रदान करती हो, ठीक है, या राज्य उसे वैधता प्रदान कर देता है। थॉमस ए बर्कलैंड ने लोक नीति के कुछ विशेषताओं की पहचान की जो नीति को लोक नीति बनाती है, जैसे कि नीति जनता के नाम पर बनती है, नीति आम तौर पर सरकार के द्वारा बनाई या शुरू की जाती है, ठीक है, नीति को सार्वजनिक या सभी के लिए और निजी गवर्नमेंट और प्राइवेट जो अभिनेताओं के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। नीति वह जो सरकार कुछ करने का इरादा रखती है, नीति वह जो सरकार कुछ नहीं करने का वो रखती है, ठीक है, वो चुनती है। थॉमस आर डाई का मानना है कि लोक नीति को सरकार से तीन तरह के विशिष्ट या स्पेशल जो प्रॉपर्टीज होती है या फिर स्पेशल विशिष्ट विशेषताओं प्राप्त होती है। पहला, नीतियों की वैधता, ठीक है, लोक नीति को सरकार से तीन तरह की विशेषताएं मिलती है। पहला, नीतियों की वैधता, जो नीति बनाई गई है उसको सरकार क्या करती है, राज्य क्या करता है, वैधता या कानूनी रूप देता है, जो सरकार के द्वारा नीतियों को दिया जाता है, ठीक है, कानूनी रूप दिया जाता है, जिससे लोक नीतियाँ कानूनी दायित्वों का चोला ओढ़ लेती है, मतलब उसको कानून के दायरे में रख लिया जाता है, जिससे जनता के बीच में लागू करने पर सरकार को किसी तरह की बाधा का सामना नहीं करना पड़ता, जो एक तरह से नागरिकों की वफादारी का आदेश देते हैं। दूसरी बात करें नीतियों की सार्वभौमिकता, केवल सरकारी नीतियों में ही सार्वभौमिकता पहलू दिखाई देती है जो सबके लिए होती है, जिससे किसी भी नीति का विस्तार समाज के सभी लोगों तक विस्तारित हो जाता है या फैल जाता है। देखो, अगर कोई नीति है सरकार के अंडर में आ गई तो वो सार्वभौमिकता तो बन जाएगी, क्योंकि अब सभी को उसे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कहना किसका है, सरकार का। लेकिन अगर कोई नीति निजी हाथों में आ जाती है तो हो सकता है कि कुछ लोगों को ही उसे फॉलो करना पड़े, बाकी लोग उससे वंचित रहे, ठीक है। आखिर में अगर हम बात करें, तीसरा जो पहलू है वो है अपना वैधानिकता, वैधानिक कार्रवाई, केवल सरकारी नीतियाँ ही समाज में एक अधिकार रखती है, ठीक है, सामाजिक जो सरकारी नीतियाँ होती है वो उसके समाज में एक अधिकार होता है, और केवल सरकार ही अपनी नीतियों का उल्लंघन करने वालों पर वैध रूप से कानूनी रूप से दंड या उचित कार्रवाई का मापदंड रखती है, ठीक है, उसको किस प्रकार का दंड देना है वो सरकार के ऊपर होता है, या नीतियों का उल्लंघन करने पर इस प्रकार की सजा दी जाएगी, ये पहले से ही निर्धारित कर दी जाती है। तो इस प्रकार की जो विशेषताएं हैं वो नीति को मिलती है जब वो सरकार के अंडर में आ जाती है और वो लोक नीति बन जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो नीति है वो लोक नीति सरकार की वजह से बनती है, राज्य की वजह से बनती है, ठीक है, उसको कानूनी रूप प्रदान करता है कौन, राज्य। तो देखिए, किसी भी लोक नीति को बनाने और उसका प्रबंधन और साथ ही साथ मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए गए ज्ञान को आमतौर पर नीति विश्लेषण कहा जाता है। जब भी हम कोई नीति बनाते हैं या कोई ऐसी नीति जो सरकार के अंडर में हो या सरकार कोई नीति बनाती हो उसे लागू कर देती हो, जिसको हम क्या बोल देते हैं, लोक नीति, तो जब भी हम उसको बनाते हैं तो उससे पहले अगर हम उसकी जांच पड़ताल करते हैं ना, एनालाइज करते हैं उसे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नीति विश्लेषण। नीति विश्लेषण इसलिए किया जाता है ताकि जो भी नीति बनाई गई है या लोक नीति बनाई गई है, अगर वो लोक नीति कब कहलाएगी, कोई नीति जो लोक नीति कहलाती है, देखो कोई भी नीति वो लोक नीति तभी कहलाएगी जब उसको सरकार या संस्थाओं के द्वारा बनाया जाता है, कार्यान्वयन किया जाता है या उसको लागू किया जाता है। तो जो कोई भी नीति बनाई जाती है, अगर उसको नीति बनाने से पहले या फिर लागू करने से पहले अगर हम उसकी क्या करते हैं, जांच पड़ताल कर लेते हैं, या फिर इसमें क्या बुराइयां हैं, क्या प्रभाव पड़ सकता है, या फिर भविष्य के लिए ये सही है या नहीं है, अगर इस प्रकार के प्रश्न पर हम विचार करके उसको लागू करते हैं ना, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, नीति विश्लेषण, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी नीति जो बनी है उसको पूरी तरह से विश्लेषण करेंगे, जाँच पड़ताल कर लेते हैं। नीति विश्लेषण का काम यह पता लगाना होता है कि सरकार क्या करती है, क्यों करती है और इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो आने लग जाते हैं,
क्या होता है इससे, कोई भी नीति अगर बनाई गई है तो इससे क्या होगा, ठीक है, और इस ये जो है वो लागू क्यों की जा रही है, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे हमें प्रभाव क्या पड़ेगा वो देखते हैं, ठीक है। तो डाई के विचार में नीति विश्लेषण की सभी परिभाषाएं वास्तव में एक ही बात पर आधारित है, सरकारी कार्रवाई के कारणों और परिणामों, मतलब जो रिजल्ट होता है उसका विवरण और स्पष्टीकरण। नीति विश्लेषण एक विशेषता, ठीक है, विशेषता या फिर विशेष या प्रक्रिया है जिसका प्रयोग नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और नीतियों को समझने और मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। तो नीति विश्लेषण का मतलब वही होता है कि कोई भी नीति जब बनाई जाती है तो उसकी प्रक्रिया का हम क्या करते हैं, सबसे पहले कार्यक्रम, योजना जो भी है या फिर निर्देश है उसको समझने का प्रयास करते हैं, या दूसरा मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये नीतियों के लक्ष्यों, प्रभावों, प्रभावितों के बारे में संग्रहित जानकारी, जितनी भी जानकारी कलेक्ट की गई होती है, तथा तथ्यों, जो भी उससे रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं उनका विश्लेषण करता है। नीति विश्लेषण में विभिन्न तकनीकों, उपकरणों और मॉडलों का उपयोग किया जाता है। तो नीति विश्लेषण के बारे में जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन इतनी थी कि नीति विश्लेषण कोई भी नीति बनाई जाती है या लोक नीति जिसको कानून के तौर पे या फिर वैधता प्रदान की जाती है राज्य के या सरकार के द्वारा, ठीक है, उसके हम क्या करते हैं जांच पड़ताल करते हैं कि ये नीति जो है सरकार या कोई भी संस्था जो है वो बना क्यों रही है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके बारे में हम जान सकते हैं। अब देखते हैं नीति विश्लेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो नीति विश्लेषण के दो प्रकार होते हैं, पहला मौजूदा नीति का विश्लेषण, ठीक है, मौजूदा नीति का विश्लेषण देखते हैं क्या बताएगा, ये नीतियों और उनके विकास की व्याख्या करने की कोशिश करती है। दूसरा नई नीति का विश्लेषण, कोई भी नई नीति बनाई जाती है उसका विश्लेषण या जांच पड़ताल करना, ये नीतियों और प्रस्तावों को तैयार करने में शामिल है। उदाहरण के लिए सामाजिक कल्याण में सुधार करना, ये क्या हो गया अपना नई नीति का विश्लेषण हो गया। देखो अब इसकी आलोचना किस बेस पर की गई है, तो नीति विश्लेषण में राजनीति का कोई भी विकल्प नहीं है। अब वो क्यों नहीं है वो देखो, क्योंकि ज़्यादातर नीतियाँ जो होती है विश्लेषण में जो मंत्री होते हैं ना, जो नीति विश्लेषण में जो मंत्री होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नीति का निर्माण करते हैं। देखो बहुत सारे जो लोग हैं ना, खासकर मंत्री की बात करेंगे क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया जो है वो सरकार से रिलेटेड है, लोक नीति से रिलेटेड है। तो खासकर जो मंत्री होते हैं ना, बड़े बड़े मंत्री, वो क्या करते हैं कोई भी नीति बनाएंगे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए बनाते हैं ज़्यादातर, ठीक है, मेजोरिटी अगर हम देंगे। इसलिए नीति विश्लेषण करते समय किसी प्रकार का कोई भी नकारात्मक प्रभाव हमें नीति में नहीं दिखाई देता, ठीक है। मतलब जो भी, जैसे मान के चलो मैं बता देता हूँ कि मंत्री क्या करते हैं नीति का विश्लेषण करते हैं, ठीक है, मान के चलो कोई भी मंत्री है वो सबसे पहले क्या करेगा नीति बना देता है फिर लागू भी कर देता है। अब नीति विश्लेषण की बात करें, नीति विश्लेषण का मतलब क्या है कि कोई भी नीति बनाने से पहले या लागू करने से पहले हम क्या करते हैं उसकी जांच पड़ताल करते हैं कि ये इससे फ़ायदा क्या होगा, या फिर एक तरीके से डिबेट, उस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं कि ये जो नीति है इससे समाज या जनता को क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, और ये नीति हमें क्यों लागू करनी चाहिए, इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है समाज में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो तैयार होते हैं, तो मंत्री क्या करता है नीति विश्लेषण की प्रक्रिया में भागीदारी होता है, साथ ही साथ ना वो किसी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव अगर देखता भी है ना तो उसको अनदेखा कर देते हैं। तो वही इसमें फर्स्ट पॉइंट बताया गया, इसलिए नीति विश्लेषण की बुराई की जाती है। तो देखो नीति विश्लेषण में राजनीति का कोई भी विकल्प नहीं होता, क्योंकि राजनीति में मंत्री आते हैं और मंत्री क्या करते हैं नीति विश्लेषण की प्रक्रिया खुद कर लेते हैं, और अधिकारी जो अगर नीति विश्लेषण करने की कोशिश भी करता है उसको नकार देते हैं, ठीक है। अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं मंत्री नीति का निर्माण करते हैं, इसलिए नीति विश्लेषण करते समय किसी भी प्रकार का कोई भी नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को नहीं देता या नहीं मिलता। और यदि कोई सरकारी अधिकारी जब नीति का विश्लेषण करता है, ठीक है, जांच पड़ताल कर रहा है कोई सरकारी अधिकारी मंत्री को छोड़कर, तो राजनीति दल का नेता उस पर रोक लगा देते हैं, ठीक है, कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जब मैं जो है राजनीति दल का नेता हूँ तो अगर मैं एग्री हूँ तो तुम्हें भी एग्री हो जाना चाहिए। इस प्रकार के मंत्री जो है वो सरकारी अधिकारों पर क्या करते हैं रोक लगा देते हैं और नीति का विश्लेषण करने से रोक देते हैं, ताकि सरकारी अधिकारी जो है वो नीति में किसी प्रकार का कोई रोक या बाधा ना डाल सके और वो जो नीति है वो सफलतापूर्वक लागू हो सके और जो मंत्री चाहता है वो उसकी जो उसका उद्देश्य है वो पूरा हो सके। तो इस प्रकार नीति विश्लेषण से ना कई बार क्या हो सकता है स्वार्थ की भावना भी जग सकती है, ठीक है, क्योंकि जो है मंत्री के हाथों में भी शक्ति होती है, क्योंकि राजनीति दल का नेता उसी प्रकार की नीति, ठीक है, जो है बनाता है जो नीति विश्लेषण करने से पहले थी, ठीक है, वो उसी प्रकार की नीति चाहता है जो नीति विश्लेषण करने से पहले थी। वह नीति में किसी प्रकार का कोई बदलाव करने की अनुमति सरकारी अधिकारी को नहीं देता, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो आता है नीति कार्यान्वयन में कमजोर भागीदारी। देखो नीति कार्यान्वयन में क्या होता है कमजोर भागीदारी का मतलब ये है कि
कोई भी नीति बना तो या बनाए बना तो लेते हैं, लेकिन क्या होता है उसे लागू करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। नीति पर काम तो कर लिया जाता है, लेकिन उसको लागू करने में क्या करते हैं बहुत ज़्यादा, कार्यान्वयन मतलब होता है लागू करना, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा ढील दी जाती है। अधिकारी क्या करते हैं उसको लागू बहुत देर में करते हैं, जिससे उसकी जो इम्पोर्टेंस है ना, ठीक है, वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। कोई भी नीति है, मान के चलो सरकार को क्या करनी है, नीति बनानी है, या कोई भी संस्था जो है नीति बनाती है, क्योंकि इस प्रकार की जो है मतलब व्यवस्था हो या परिस्थिति हो चुकी है जिससे ना किसी नीति की जरूरत पड़ती है। मान के चलो कि जून का महीना है, ठीक है, मान के चलो जून का महीना है, तो जून के लिए ना या जून से लेकर दिसंबर तक के लिए उसे पॉलिसी बनानी है, ठीक है, सरकार को, कि जून में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको सॉल्व करने के लिए सरकार क्या करती है, उस उद्देश्य से क्या बनती है, नीति बनाती है। लेकिन उस नीति को वो ना जून से लेकर दिसंबर तक लागू ही नहीं करती, वो अगले साल लागू करती है, जनवरी में लागू करती है, तो इससे क्या होगा, इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उस नीति की जरूरत हमें कब थी, जून से लेकर दिसंबर तक, लेकिन जनवरी में लागू करें तो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं बची। तो इस प्रकार नीति कार्यान्वयन में कमज़ोर भागीदारी, कभी कभी नीति को बनाने में के बाद उसको लागू करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। नीति का जो निर्माता है, या फिर नीति का निर्माता या नीति निर्माण करने वाला व्यक्ति नीति को बना तो देता है, परंतु अधिकारी उसे लागू करने में बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं। जिसका रणनीति की क्रियान्वयन में क्या होता है, जिसका नीति के क्रियान्वयन में कमज़ोर भागीदारी रहती है, और उस नीति का लाभ लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि उसका लाभ तभी प्राप्त होगा जब उसका समय था जून से लेकर दिसंबर तक, लेकिन वो नहीं मिल पाया, क्योंकि वो जो नीति वो कब लागू की गई, जनवरी में, जिससे उसकी इम्पोर्टेंस भी ख़त्म, लोगों को बेनिफिट भी नहीं हुआ, और वो नीति जो लागू की गई है वो बेवजह की गई है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो आता है, नीति का भविष्य में नकारात्मक प्रभाव छोड़ना। नीति क्या होती है, जैसे कि मान के चलो सरकार ने क्या करा, या कोई भी व्यक्ति सरकारी अधिकारी कोई नीति बनाता है, ठीक है, उसने क्या करा, नीति का निर्माण तो कर दिया, उसको वो जब लागू करता है, जब बना देता है, तो उसको एक प्रकार की जो चिंता है ना वो सताती है कि अगर मैं इसको लागू कर देता हूँ तो हो सकता है इससे नकारात्मक प्रभाव पड़े, ठीक है, क्योंकि नीति का निर्माण करने समय ना कुछ, अगर मान के चलो कोई भी व्यक्ति नीति का निर्माण करता है, ठीक है, और वो कुछ पहलुओं को नकार देता है, तो इससे ना क्या हो सकता है कि भविष्य में उसके नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं। तो कभी कभी नीति निर्माता नीति का निर्माण करते समय कुछ पहलुओं को क्या करता है, इग्नोर मार देता है या नकार देते हैं, जिसके कारण नीति का निर्माण होने के साथ साथ उसके लागू होने के बाद भविष्य में उस नीति के नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, तथा इससे समाज या राज्य या देश पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। तो नीति का विश्लेषण करने से तीन प्रकार के जो है जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो देखने को मिल सकते हैं। सो गाइस, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीति विश्लेषण क्या है, मतलब नीति विश्लेषण के बारे में सबसे पहले मैं जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो बतानी है, ठीक है, जो कि हम इससे पहले वाली जो मतलब कि अभी जो हमने पढ़ा था क्वेश्चन उसमें भी हम पढ़ चुके हैं, और बाकी इसमें पूछा गया नीति विश्लेषण की प्रक्रिया समझाई है, तो आपको प्रक्रिया भी लिखनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो अगर आपके एग्जाम में ये इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो जो मैंने अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन बनाया था उसका आंसर भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आप लास्ट में प्रक्रिया लिखना, सबसे पहले वो लिखना जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, तो देखते हैं और प्रक्रिया को जानते हैं। सबसे पहले बोला गया नीति विश्लेषण क्या है, तो इसकी डेफिनेशन मैं पहले ही बना चुका हूँ, तो इसको हम बस ओरली मैं आपको बता देता हूँ कि नीति विश्लेषण जो होता है, कोई भी नीति जो सरकार के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है, उसको तो हम लोक नीति कहते हैं। यदि उसको बनाने से पहले उसकी जाँच पड़ताल की जाए कि ये नीति जो है वो क्यों बनाई जा रही है, इससे क्या लाभ हो सकता है, ठीक है, क्या हमें इस नीति की ज़रूरत है, तो इस प्रकार की जब जो आंकड़े निकाले जाते हैं और उनका मूल्यांकन या जांच पड़ताल की जाती है तो उसको हम बोलते हैं नीति विश्लेषण। फिर इसके बाद बात करते हैं वैकल्पिक नीति की विशिष्टता, या फिर दूसरी नीति जो है उसकी विशिष्टता क्या है, स्पेशलिटी क्या है। दूसरी बात इसको हम जान सकते हैं कि नीति विश्लेषण की प्रक्रिया बताओ, ठीक है, वैकल्पिक नीति की विशिष्टता, या फिर दूसरा क्वेश्चन उनसे बन सकता है कि नीति विश्लेषण की प्रक्रिया को समझाओ, ठीक है। वैसे तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि नीति विश्लेषण की प्रक्रिया समझाइए, तो सबसे पहले आपको ना वो लिखना है जो मैंने आपको फर्स्ट मिनट में बताया था, उसमें से आप थोड़ा थोड़े पॉइंट्स लिख सकते हो, देन उसके बाद आपको नीति विश्लेषण की प्रक्रिया बतानी है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल वर्ड में मैंने ये नोट्स तैयार करे हैं, तो आपको बस एक बार रीड करना है, तो देखते हैं और समझते हैं। एडवर्ड क्वैड ने, जो एक व्यक्ति है एडवर्ड क्वैड ने नीति विश्लेषण प्रक्रिया के 5 तत्वों और निम्नलिखित चरणों की पहचान की, ठीक है, उन्होंने 5 जो है वो चरण बताए, स्टेप्स बताए, और नीति विश्लेषण की प्रक्रिया इसी तौर से चलती है।
सबसे पहले क्या किया जाता है वो देखते हैं हम, समस्या और उद्देश्यों की पहचान, ठीक है। दूसरा, नीति विकल्प निर्दिष्ट करना। फिर उसके बाद आता है थर्ड, नीति विकल्पों का मूल्यांकन करना। फिर फोर्थ आता है अपना, नीतिगत कार्रवाई की सिफारिश करना, ठीक है। फोर्थ क्या अपना, नीति विकल्पों की और नीति जो अपने है उसकी कार्रवाई की सिफारिश करना। फिर आता है निगरानी नीति के परिणाम, मतलब रिजल्ट। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसको हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ऐसी पांच जो है पॉइंट, उन सबको डिस्क्राइब करेंगे, फिर अपने जो चरण है या फिर प्रक्रिया वो पूरी हो जाएगी। तो देखते हैं, पहला समस्या और उद्देश्यों की पहचान। देखो, कभी भी नीति विश्लेषण किया जाता है या नीति कोई भी बनाई जाती है तो सबसे पहले हमें समस्या देखते हैं और दूसरे और उसका उद्देश्य की पहचान करते हैं। तो देखो, इसको पहले हम थ्योरी के थ्रू समझेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है या स्टेप है, क्योंकि कई बार समस्या के विश्लेषण या जांच पड़ताल के उद्देश्य ही स्पष्ट नहीं होते, और कुछ मामलों में उद्देश्य आपस में एक दूसरे के विरोधी भी होते हैं। नीति विश्लेषण के लिए हल की जाने वाली समस्याओं की पहचान करने में स्पष्टता की आवश्यकता होती है। समस्या की पहचान करने के बाद अगला कदम, ठीक है, ये तय करना होता है कि इसका सामना करते समय किन उद्देश्यों को प्राप्त करना है। किसी भी समस्या का समाधान करने से पहले हमें ये भी ज़रूर जान लेना चाहिए कि ये समस्या जो इस समस्या है उसके पीछे का हमारा उद्देश्य क्या है, क्योंकि बिना उद्देश्य के किसी भी समस्या का समाधान करना असंभव सा लगता है। तो देखो, इसको मैं एक बार आपको जो नॉर्मल वर्ड्स है उसमें बता देता हूँ। समस्या और उद्देश्य की पहचान, कोई भी नीति अगर हम बनाते हैं तो उसका विश्लेषण किया जाता है उससे पहले, ठीक है। जब वो नीति लागू हो जाती है तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि हमने ये नीति क्यों बनाई है, ठीक है, ऐसी क्या समस्या आ गई थी जिसकी वजह से हमें ये नीति बनानी पड़ रही है। दूसरी बात, हम सबसे पहले उसकी क्या पता लगाते हैं, समस्या कि ऐसी कौन सी समस्या थी। सपोज़ कर लो कि सरकार ने क्या करा, गरीबी को ख़त्म करने के लिए कोई नीति बनाई, ठीक है, तो समस्या क्या है अपनी, गरीबी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि गरीबी जो है वो एक समस्या तो है, लेकिन हमने उसको समाप्त करने के लिए क्या बना दी, नीति बना दी कि गरीबी हटाओ। दूसरी बात, उद्देश्य की पहचान करना, जो समस्या है वो कैसे आई है, ऐसा क्या हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें गरीबी आ, मतलब हमारे में क्या आ रही है, गरीबी आ रही है, ठीक है। ऐसा हम क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, गरीबी या फिर गरीबी स्थिति में पल रहे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि बिना उद्देश्य के जब तक हम खुद नहीं जान पाएंगे कि भाई ये गरीबी जो है वो इस वजह से आ रही है, हम ऐसा कुछ कार्य कर रहे हैं जिससे हम गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है। जितनी हमारी इनकम नहीं है उससे ज़्यादा हम लुटा देते हैं, तो ये गरीबी का कारण है। तो अगर हम ये जान लेंगे ना, तो हमारी जो समस्या है वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, वो सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले ना, नीति विश्लेषण जो है उसका करते समय समस्या की पहचान की जाती है कि इस मकसद से क्या बनाई जा रही है, इस समस्या को दूर करने के लिए कोई नीति बनाई जा रही है सरकार के द्वारा या किसी संस्थाओं के द्वारा। फिर उस उद्देश्य को अगर हम जान देते हैं तभी वो समस्या दूर हो सकेगी और नीति सही से काम कर सकेगी। तो यही है, अगर समस्या का समाधान करना है तो सबसे पहले हमें उद्देश्य जानना पड़ेगा। अगर उद्देश्य हमें नहीं पता होगा तो समस्या का समाधान करना बिल्कुल असंभव है, इम्पॉसिबल है, उसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, नीति विकल्प निर्दिष्ट करना। समस्या का समाधान करने के बाद अगर हमें प्रॉब्लम पता लग गई, उसका सोल्यूशन भी पता लग गया, उसके बाद क्या होता है, देखो, ठीक है, ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस है, ये चलता रहेगा आगे। समस्या सबसे पहले आई तो हमने उसको दूर किया क्योंकि हमें उद्देश्य पता लग गया, क्योंकि बिना उद्देश्य के कभी भी समस्या का समाधान करना इम्पॉसिबल है। नीति विकल्प विशिष्ट करना, समस्या का समाधान अगर हो जाता है तो उसके बाद विश्लेषण करने के बाद, ठीक है, समस्या का समाधान करने और विश्लेषण करने के बाद विकल्पों का निर्दिष्टीकरण करना जरूरी होता है। इसके अंदर नीति का निर्माण करने वाले, नीति के निर्माता जो होते हैं, जो नीति का निर्माण करते हैं वो नीति के निर्माता कहलाते हैं, उनके पास नीति बनाते समय बहुत सारे क्या होते हैं, विकल्प होते हैं कि गरीबी है, गरीबी को हटाने के लिए हमारे बहुत सारी चॉइस है, हम बहुत सारी नीतियाँ कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमें तो एक ही बनानी है ना, क्योंकि अलग अलग नीति बनाएंगे तो कन्फ्यूज़न फैल सकती है कि गरीबी को इस प्रकार से भी दूर कर सकते हैं, इस प्रकार से भी दूर कर सकते हैं, तो ये है। तो बहुत सारी हमारे पे चॉइस होती है, तो हम क्या करेंगे वो देखते हैं। जो भी नीति के निर्माता होते हैं उनके पास बहुत सारे क्या होते हैं, विकल्प होते हैं नीति बनाते समय, वो कई प्रकार की नीति लागू कर सकते हैं। तो उनके पास, उनको क्या करनी है, बस एक नीति लागू करनी है, एक नीति बनानी है, उसी को लागू करना है, लेकिन चॉइस उनके पास बहुत सारी है। और उन विकल्पों में से सबसे पसंदीदा और सबसे बढ़िया विकल्प को चुनना जिससे नीति बनाई जा सके,
ठीक है, वो एक एक ही चॉइस को सुनेंगे और उसके बाद उसी पे काम करेंगे और नीति बनाएंगे। सीमित संख्या में विकल्पों पर निर्णय लेने से पहले सभी विकल्पों पर विचार करना चाहिए। देखो मान के चलो एक समस्या है गरीबी, ठीक है, उसको दूर करने के लिए हमने क्या बनाई, नीति बनाई। सबसे पहले हमें समस्या का पता लग गया कि गरीबी इस वजह से आ रही है, तो हमें उसे दूर करना है, उसके लिए नीति बना दी। दूसरी बात नीति विकल्प, हमारे पे गरीबी को हटाने के लिए बहुत सारे क्या नीतियाँ है, ठीक है, या फिर गरीबी के लिए हमारे पे एक नीति है गरीबी को कैसे हटाया जाए। दूसरी बात क्या होगा, हमारे पे बहुत सारी चॉइस है तो हम उसमें से एक चुनेंगे, लेकिन एक चुनने का रीज़न ये होना चाहिए कि हमने सभी नीतियों की क्या की है, जांच पड़ताल की है, नीति विश्लेषण सब पे किया है, लेकिन हमें क्या लगा, एक बढ़िया लगा तो हमने उसको चुन लिया। तो सभी पहले क्या करना है, सभी विकल्पों पर विचार करना है, उसके बाद ही हमें एक विकल्प चुनना है, ठीक है। ये नहीं कि हमें हमने क्या करा, नाम बढ़िया लग रहा है, हम उसी को क्या कर लेते हैं, चुन लेते हैं, ठीक है, ये नहीं करना। हमें क्या करना है, सभी विकल्प, जितने भी विकल्प हमें मिले हैं भी वो गरीबी को दूर करने के, हम सबसे पहले क्या करेंगे, उन पर विचार करेंगे, फिर विश्लेषण करने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद, उनमें से जो बढ़िया लगेगा हम उसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, उसको बना के लागू कर देंगे। तीसरा आता है नीति विकल्पों का मूल्यांकन। एक बार जब नीति की समस्या का विश्लेषण या फिर जांच पड़ताल कर ली जाती है तो उसका उद्देश्य भी निर्धारित कर लिया जाता है और नीति विकल्पों के विकल्प निर्धारित कर लिया जाता है। जो हमने ऊपर पढ़े ना दो पॉइंट, वही सब है, समस्या मिली उसका विश्लेषण कर लिया, फिर उसके बाद विकल्प जो जितने भी थे उनमें से एक विकल्प को हमने चुन लिया। तो प्रत्येक विकल्पों के परिणाम की भविष्यवाणी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक जो विकल्प थे हमारे पास उनमें से हमने एक तो चुना, लेकिन सभी का जो रिजल्ट है ना फ्यूचर में वो कैसा रहेगा वो भी देखना ज़रूरी होता है। इस प्रकार नीति विकल्पों का मूल्यांकन नीति विश्लेषण के क्रम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नीति विकल्पों का मूल्यांकन करने में जब तक, ठीक है, जब तक सभी नीतियों के वैकल्पिक विकल्पों के गुणों की जांच नहीं कर ली जाती या तुलना नहीं कर ली जाती, तब तक उचित वैकल्पिक नीति का मूल्यांकन होना बहुत ज़्यादा कठिन है। सबसे पहले सभी जो विकल्प हैं उनकी हमें क्या करनी है, आपस में जांच पड़ताल करनी है गुणों की, कि इसमें इस प्रकार का गुण है, ठीक है, जनता को इस प्रकार फ़ायदा हो सकता है। दूसरी बात हमें क्या करना, उचित विकल्प को चुनना है तो उसका मूल्यांकन भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबके बीच में कंपेरिजन करेंगे। फिर देखो इसके ना बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला ए, लागत लाभ विश्लेषण तकनीक। जिस प्रकार की नीति बनाई जा रही है उसको लागू करने से पहले, लागू करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या लाभ प्राप्त होगा, तथा किस प्रकार की नीति को अपनाया जाएगा, ठीक है, जो भी नीति बनाई जाए उससे हमें फ़ायदा क्या होगा, लोगों के मन में ये रहता है, और किस प्रकार की तकनीक को अपनाया जाएगा, उस नीति को लागू करने में लागत कितनी आएगी, कितना पैसा खर्च होगा, इस प्रकार का मूल्यांकन इसमें किया जाता है। बी, प्रदर्शन मापन तकनीक। जिस नीति को लागू कर दिया जाएगा तो वह देश में, समाज में तथा क्षेत्र में किस प्रकार का प्रदर्शन या परफॉर्मेंस जो है वो कर रही है, इस नीति का वो तकनीक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इस नीति का प्रयोग किया है। फिर उसके बाद प्रभाव आकलन तकनीक। नीति प्रक्रिया के अंदर जब नीति को लागू कर दिया जाता है तो उसके बाद देखा जाता है कि जो नीति है इसमें उन समस्याओं के ऊपर कैसे प्रभाव डाला है, जो समस्या क्या थी पहले मौजूद थी और जिसके लिए हमने वो नीति बनाई है, ठीक है, जिसके लिए ये नीति बनाई गई थी उसने उन समस्याओं पर कैसे प्रभाव डाला और उनको कैसे दूर किया, ये भी पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें समय की तुलना भी की जाती थी, ठीक है, मतलब कि नीति बनाने से पहले की स्थिति कैसी थी और वह समस्या कैसी थी, और नीति बनाने के बाद समस्या बड़ी है या घटी है, ठीक है। अगर नीति बनाई है गरीबी को दूर करने के लिए तो हमें ये देखना पड़ेगा कि नीति बनने से पहले कितनी गरीबी थी और नीति बनने के बाद गरीबी बढ़ी है या घटी है। अगर बढ़ी है तो हमें नीति को क्या करना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए, उसके अलावा हमें दूसरी नीति बनानी चाहिए, क्योंकि ये नीति क्या हो जाएगी, फेल, क्योंकि इससे गरीबी घट नहीं रही, बढ़ रही है, ठीक है। अगर गरीबी कम हो रही है तो ये नीति अपनी सही है, इस प्रकार का आकलन किया जाता है। अब लास्ट आता है अपना डी, प्रायोगिक तकनीक। इसमें क्या होता है, प्रायोगिक तकनीक है, इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि जो भी नीति बनाई गई है उसको जनता के प्रति कैसे व्यवहार है, मतलब ये नीति जनता के लिए कैसे कार्य कर रही है, क्या जनता इस नीति को पसंद करती है या नहीं करती, ठीक है, जनता को इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है या जनता बस सरकार के दबाव में आके इस नीति का पालन कर रही है, जनता को इस नीति से कोई लाभ होता है या नहीं, इस प्रकार का आकलन इसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट आता है अपना नीतिगत कार्रवाई की सिफारिश करना। नीति के विश्लेषण हो जाने के बाद
नीति की कार्यवाही की सिफारिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक्शन जो होता है उस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिफ्थ आता है अपना निगरानी नीति के परिणाम, जो भी नीति है उसके रिजल्ट। नीति लागू होने के बाद कुछ संदेह भी हो सकता है, कुछ शक भी हो सकता है, क्या समस्या का उचित जो उचित है उसमें किया गया था, ठीक है, क्या समस्या का उचित समाधान जो था वो किया गया था या फिर उसके बाद बोला गया है, और यहाँ तक कि चयनित मतलब जो चुनी हुई नीति है उसको ठीक से लागू किया गया जा रहा है या फिर नहीं, इन चिंताओं के लिए ये आवश्यक है। ये जरूरी है कि कार्यान्वयन या लागू करने के चरण के दौरान, जब भी उस नीति को लागू करते हैं उसके दौरान नीतियाँ और जो कार्यक्रम है उनको बनाए रखा जाए और उनकी निगरानी की जाए, ठीक है, उन पर नज़र रखी जानी चाहिए कि इस प्रकार की नीति से कोई फ़ायदा होगा आगे या नहीं होगा, ठीक है, जब उस नीति को लागू किया जाता है। तो इस प्रकार के जो चरण है उनको पार करके ही नीति का विश्लेषण करके ही नीति को बनाया जाता है, उसके बाद उसको लागू कर दिया जाता है। गाइस ये अपना जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि उदारवादी राज्य के सिद्धांत के संदर्भ में, मतलब उदारवादी राज्य को ध्यान में रखकर या सिद्धांत को ध्यान में रखकर नीति विश्लेषण को समझाना है कि नीति विश्लेषण क्या होता है। देखो हमने नीति विश्लेषण क्या है वो तो नॉर्मली समझ लिया, लेकिन उदारवादी राज्य के सिद्धांत के संदर्भ में हमें बताना है कि नीति विश्लेषण क्या होता है। तो इसमें थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो चेंज होता है, ठीक है, जो क्वेश्चन है वो चेंज हो जाता है, उदारवादी राज्य के बारे में भी हमें इसमें बताना है। तो देखते हैं और शुरू करते हैं अगला टॉपिक, ठीक है, बाकी सिंपल सा है तो हम इसको शुरू करते हैं। उदारवादी राज्य के सिद्धांत से संबंधित, ठीक है, उदारवादी राज्य के सिद्धांत के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और उदारवादी राज्य क्या होता है, फिर उसके बाद उसके सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है, देन उसके बाद उदारवादी राज्य के भी जो कुछ पॉइंट्स है ना इम्पॉर्टेंट, उदार राज्य का सिद्धांत या फिर राज्य की जो स्थापना या उत्पत्ति वो कैसे हुई थी, इसके बारे में हमने मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी वाली बुक है उसमें भी जाना था, लेकिन इसमें मैं आपको रिवीजन भी करवा दूंगा, ठीक है, और साथ ही साथ आपके लिए टॉपिक ईजी रहेगा क्योंकि आपने मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी में राज्य की उत्पत्ति के बारे में पढ़ रखा है, और इसको मैंने बिल्कुल अपने जो जैसे कि मैं रिटर्न नोट्स लिखता था वैसे ही मैंने इसको तैयार किया बहुत सिंपल वर्ड्स में, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं और शुरू करते हैं अगला टॉपिक, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बताया गया कि उदारवादी राज्य के सिद्धांत के बारे में बताने से पहले हम उदारवादी राज्य के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें उदारवादी राज्य का सिद्धांत तो है वो तो बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उदारवादी राज्य होता क्या है, ठीक है, हम बेसिक से चलेंगे और एक एक पॉइंट हम क्लियर करते जाएंगे, बाकी अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आता तो आप कमेंट जरूर करना, मैं आपको उस पर जो उसका रिप्लाई होगा या फिर आंसर होगा मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। तो गाइस सबसे पहले हम जानेंगे कि उदारवादी राज्य क्या होता है, तो इसके अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि सरकार के कारण, ठीक है, सरकार के कार्य में ढील दी जाती है, ठीक है, सरकार के कार्यों में क्या की जाती है, ढील दी जाती है, तथा सरकार के कार्यों को सीमित कर दिया जाता है या फिर कम कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की कभी भी कोई व्यवस्था हमें दिखाई देती है तो हम उसे बोलेंगे उदारवादी व्यवस्था, ठीक है, यदि सरकार कोई ऐसी है जो अपने कार्यों में ढील देती है और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन को अपनाती है, ठीक है, और अपने कार्यों को बस इतना रखती है कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखे, दूसरा जो है जनता की क्या करना, सुरक्षा करना, अगर ये प्रकार इस प्रकार के कार्य का सरकार के द्वारा किए जाते हैं बाकी कार्य वो जनता पर ही छोड़ दे तो हम बोलेंगे इसे उदारवादी राज्य। मतलब मेन तौर पर इसमें तीन बातें निकल के आती है, पहला कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार का कार्य है, दूसरा जनता की सुरक्षा करना भी सरकार का कार्य है, बाकी इसके अलावा इसको छोड़कर जितने भी कार्य होंगे वो जनता स्वयं कर सकती है, क्योंकि जनता इस कैपेबल है कि वो अपना कार्य खुद कर सकती है, बाकी दो ही कार्य जो सरकार को सौंपे गए हैं, ठीक है, तो इस प्रकार की अगर कभी भी व्यवस्था दिखाई देती है तो वो उदारवादी राज्य में होगी और उसका जो सरकार होगी वो उदारवादी सरकार होगी। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। बाकी इसके बाद जो अपना उदारवादी राज्य के सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे तो देखते हैं उदारवादी राज्य के सिद्धांत के संदर्भ में नीति का विश्लेषण, ठीक है, उदारवादी राज्य के सिद्धांत में नीति के बारे में पढ़ेंगे तो देखते हैं। मैनी और थोइनिंग ये दो ऐसे जो है विद्वान हैं जिन्होंने राज्य के आमतौर पर तीन सिद्धांत बताए हैं और उसको ये नीति का विश्लेषण जो है उसको कनेक्ट करके बनाया, ठीक है, नीति का विश्लेषण हमें करना है उदारवादी राज्य के रूप में, ठीक है, उदारवादी राज्य के रूप में हम क्या करेंगे, नीति का विश्लेषण करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या बनाया, तीन सिद्धांत बताए हैं और वो नीचे दे रखे हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो देखो ये मैनी और थोइनिंग ने दिए जो तीनों के तीनों सिद्धांत हैं और इन्हीं के विचार इसमें शामिल है।
पहला है राज्य का भूलवादी सिद्धांत, दूसरा राज्य का व्याख्यात्मक सिद्धांत, तीसरा नव संस्थावादी सिद्धांत। सबसे पहले को हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे राज्य का भूलवादी सिद्धांत। इसका पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। राज्य का भूलवादी सिद्धांत मतलब होता है कि जो भी सरकार नीति का निर्माण करेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब बहुलवादी मतलब होता है इसमें बहुत सारे लोगों की क्या होगी, भागीदारी शामिल होगी। सरकार कोई भी नीति बनाएगी तो वो नीति जो होगी वो जनता के साथ मिलकर बनाएगी या फिर जनता के लिए बनाएगी। ठीक है, क्या होता है कि समाज दो भागों में बंटा होता है, एक ऐसे लोग है जो अमीर है, ठीक है, जिनकी संख्या कम होती है, और राज्य के अंदर गरीब जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो सरकार जो भी नीति नियम या कायदे कानून बनाएगी वो जनता के साथ मिलकर बनाएगी, या तो जनता की भागीदारी उसमें शामिल होगी या फिर जनता के लिए बनाएगी, या आम जनता के लिए या गरीबों के लिए बनाए, ठीक है, क्योंकि समस्या उनको है। बाकी अमीर लोगों की बात करें, राज्य जो है ये सरकार अमीर लोगों के लिए भी बनाएगी, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि अमीर लोग क्या कह रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं कि इस प्रकार की नीति बनाओ जिसमें हमारा ही फायदा हो, जनता के ऊपर ध्यान मत दो, जनता भाड़ में जाए, ठीक है, गरीब लोगों के ऊपर ध्यान मत दो, ठीक है। अगर वो ऐसा करती है या फिर कुछ अमीर वर्गों के द्वारा सरकार को ठग लिया जाता है, या सरकार को पैसा देकर, ठीक है, सरकार को पैसे दिए और सरकार की कारों में क्या कर दी, बाधा डाल दी, और सरकार क्या होगी, पैसा देकर मजबूर हो जाएगी कि इन्होंने मेरे को पैसा दे दिया, अब मेरे को इनके लिए नीति या नियम या कायदे कानून बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो सरकार को ना कभी भी दबाव में आके या फिर अमीर लोगों के प्रभुत्व में आकर कोई भी नीति नियम नहीं बनाने चाहिए, उसको जनता के हित के लिए नियम बनाने चाहिए, ठीक है। राज्य का भूलवादी सिद्धांत यही कहता है, और इसी के बारे में इसमें जानेंगे, देखते हैं। सरकार के द्वारा जो भी लोक नीति बनाई जाती है, अर्थात सार्वजनिक नीति या जो ऐसी नीति जो लोगों के हित के लिए हो वो बनाई जाती है, वह सामाजिक मांग की प्रतिक्रिया के रूप में मानी जाती है। मतलब समाज में जनता ने क्या करी, मांग करी कि हमें इस प्रकार की नीति बनाकर दो, ठीक है। सरकार क्या करेगी, उसी नीति को बनाएगी जो जनता के भले के लिए, और सरकार जनता के लिए वो नीति बना लेती है। सरकार सार्वजनिक नीति का निर्माण तभी करती है, लोक नीति या कोई भी नीति तभी बनाती है जब जनता के द्वारा सामाजिक मांग की जाती है। जनता क्या कर रही है, मांग कर रही है समाज के अंदर कि गरीबी है, गरीबी को हटाने के लिए कोई नीति बना दो हमारे लिए, ठीक है। तो क्या करेगी सरकार, जो है वो सामाजिक मांग को देखेगी कि बहुत सारी जनता की जो मांग है वो गरीबी को लेकर है, कि गरीबी कैसे हटाई जाए। तो क्या करेगी सरकार, कोई प्रकार के जो नीति है वो बना के दे देगी जनता को, लो तुम्हारी मांग इस प्रकार से पूरी हो सकती है, ये मैंने नीति बनाई है। तथा सामाजिक मांग करने के बाद सरकार उस नीति का क्या करेगी, निर्माण करके जनता को प्रसन्न करती है, खुश करती है, ठीक है। फिर जनता दोबारा उसे जो नेता है उसको चुन लेगी और वही सरकार आती रहेगी। लेकिन अगर सरकार ऐसा काम नहीं करेगी तो भाई 5 साल पूरे होने दो, हम तुम्हें हटा देंगे, ठीक है, या 5 साल से पहले भी सरकार को हटाया जा सकता है। इस सिद्धांत के तहत सरकार को नीति का निर्माण करते समय, ठीक है, जो ये सिद्धांत है भूलवादी, इस सिद्धांत के तहत सरकार को नीति का निर्माण करते समय जनता को भी नीति के निर्माण में शामिल किया जाता है, ठीक है। जनता को भी क्या करेगी, नीति जब भी बनाएगी सरकार तो जनता को भी शामिल करेगी, जनता देखेगी कि भाई ये हमारे लिए कानून बना रही है नहीं बना रही, ठीक है, जो भी सरकार है, ताकि जो नीति जनता के लिए बनाई जा रही है जनता खुद उसमें भागीदार हो। नीति के निर्माण में सबसे अधिक से अधिक लोगों का भागीदार होना जरूरी है, ठीक है। जब भी नीति का निर्माण हो तो जनता का ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार होना जरूरी है, क्योंकि नीति को क्या करना, सभी को फॉलो करना, तो उसके निर्माण में भी सबको भागीदारी होना जरूरी है। लेकिन व्यवहार में क्या होता है, रियलिटी में देखें तो भाई देखो इसका उल्टा ही होता है जैसा कि सिद्धांत बताया गया। अगर हम व्यवहार में देखें तो जब भी सरकार किसी प्रकार की कोई नीति का निर्माण करती है तो कुछ विशेष वर्गों के द्वारा, अर्थात अमीर पार्टी के द्वारा, उस नीति को दबा दिया जाता है कि भाई सरकार क्या कर रही है, देखो सामाजिक मांग जनता ने करी, ठीक है, गरीबों ने करी या आम जनता ने करी, ठीक है। आम जनता क्या कर रही है, सामाजिक मांग कर रही है कि भाई गरीबी हटाने के लिए कोई नीति बना दो, और सरकार क्या करेगी, नीति बनाने ही वाली थी लेकिन बीच में कौन आ गया, अमीर वर्ग आ गए, अमीर लोग आ गए, उन्होंने पैसा दिखाया, सरकार भटक गई, सरकार अब जनता के लिए कानून नहीं बनाएगी, वो क्या करेगी, अब सरकार अमीर लोगों से पैसा लेगी, फिर अमीर वर्ग बोलेंगे चल भाई बना दे हमारे लिए कानून, फिर क्या, सरकार अमीर वर्गों के लिए वो जो नीति है वो बना देगी, जनता जो चाहेगी उसके लिए नीति पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि जनता ने पैसा ही नहीं दिया, अमीर वर्गों ने पैसा दिया, अमीर वर्गों के लिए नीति बना दी, ठीक है। तो इसके विपरीत क्या होता है
देखो जनता के साथ मिलकर बनाई जा रही है। इसके उस नीति का जो निर्माण किया जाता है, ठीक है, व्यवहार में क्या बोला गया है, देखो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ पराला। जब अगर हम देखें तो जब भी सरकार किसी प्रकार की कोई नीति का निर्माण करती है तो कुछ विशेष वर्गों के द्वारा अर्थात अमीर पार्टी के द्वारा उस नीति को क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। उस नीति को अमीर जो पार्टी है उसके द्वारा दबा दिया जाता है, ठीक है, या रद्द कर दिया जाता है, जो जनता के भले के लिए जनता के साथ मिलकर बनाई जा रही है। ठीक है, जो भी जनता के साथ मिलकर सरकार क्या करेगी, नीति बनाएगी, उसको दबा देंगे और अमीर वर्ग क्या करेंगे, अपनी नीति सौंप देंगे, लो भाई इस प्रकार की नीति बनाओ, हम तुम्हें सामाजिक मांग तो कर रहे हैं लेकिन साथ साथ पैसा भी दे रहे हैं तो हमारे लिए बनाओ। इसके विपरीत उस नीति का निर्माण किया जाता है जिसमें विशेष वर्ग या फिर कुछ अमीर वर्ग पार्टी की भागीदारी शामिल हो। जनता की शामिल भागीदारी या फिर गरीब लोगों की भागीदारी ज़रूरी नहीं है, अमीर वर्गों की जो अमीर वर्ग है उनकी जो भागीदारी है वो शामिल हो जाती है, ठीक है, भागीदारी हो जाती है जिसमें उनका खुद का क्या होता है, हित होता है। वो हो सकता है कि जिस प्रकार की नीति बनवा रहे हो वो जनता के लिए या फिर गरीबों के हित के लिए ना हो, वो अमीर वर्गों के लिए हो, या हो सकता है कि अमीर वर्ग जो नीति बनवा रहे हैं वो अमीर वर्गों के लिए तो सही है लेकिन गरीब लोगों के लिए हानिकारक हो। ठीक है, कुछ विशेष वर्गों के द्वारा, मतलब बोला गया है कि कुछ जो विशेष वर्ग होते हैं उनके द्वारा सरकार से विनती की जाती है कि आप उन लोगों के लिए किसी भी प्रकार की कोई नीति मत बनाओ। ठीक है, मतलब देखो कुछ विशेष वर्ग क्या करते हैं, वो ये कहते हैं सरकार को कि हमारे लिए नीति बनाओ क्योंकि हमने तुम्हें पैसा दिया है, तुम उन लोगों के लिए कोई नीति मत बनाओ, किसी प्रकार की कोई नीति मत बनाओ, हमारे हित के लिए क्या करो, नीति का निर्माण करो। तो इसमें, ठीक है, तो इसमें बहुलवादी की जगह एकलवादी पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इसमें बहुलवादी की जगह मतलब बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं है बल्कि एकलवादी मतलब कुछ विशेष वर्ग या समूह के पर ही ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इसमें एकलवादी पर ध्यान दिया जाता है। अब इसके बाद बोला गया है क्योंकि बहुलवादी में अधिक संख्या में लोगों का भागीदार होना जरूरी है और एकलवाद में एक व्यक्ति या फिर एक पार्टी के सदस्य ही शामिल होते हैं और वो अपना क्या देखते हैं, निजी स्वामित्व देखते हैं या निजी हित देखते हैं, सॉरी स्वामित्व नहीं निजी हित देखते हैं, खुद का भला देखते हैं, जनता का भला नहीं देखते। अब इसके बाद बोला गया अपना, ये देखो पहला सिद्धांत था, आई होप आपको समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में और इसमें थोड़ा मैंने टाइम लिया लेकिन बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बताया। दूसरा अपना आता है राज्य का व्याख्यात्मक सिद्धांत, तो देखते हैं और समझते हैं इसको भी। देखो जो ऊपर वाला सिद्धांत था वो फेल हो गया था क्योंकि बहुत सारे जो अमीर वर्ग है वो क्या करते हैं, बहुत से अमीर वर्ग या अमीर पार्टी के लोग या अमीर लोग क्या करते हैं, जो सरकार है उसके कार्य में क्या करते हैं, बाधा डालते हैं और सरकार को क्या करते हैं, पैसा देकर सरकार खरीद लेते हैं और साथ ही साथ सरकार जो भी नीति भले के लिए बनाती है जनता के लिए उसको रोक कर खुद की नीति थोप देते हैं, किस प्रकार की नीति बनाओ, हमें ये नीति चाहिए और हम तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना बनाएंगे। और सरकार क्या करती है, सत्ता में रहने के लिए उस प्रकार की नीति को लागू करती है जो विशेष वर्ग या अमीर वर्ग कहता है। ठीक है, क्योंकि सरकार को क्या करना है, सत्ता में रहना है। ठीक है, पार्टी या फिर जो सरकार है उसमें बनकर रहना है। अब देखते हैं दूसरा राज्य का व्याख्यात्मक सिद्धांत क्या कहता है, ये बहुलवादी सिद्धांत है, अब व्याख्यात्मक देखते हैं। ये सिद्धांत राज्य के बहुलवादी सिद्धांत की क्या करता है, बुराई करता है, आलोचना करता है, ये बिल्कुल उसका अपोजिट है, उसकी बुराई करता है कि कुछ विशेष वर्गों के द्वारा जो है वो सरकार को लूट लिया जाता है, सरकार को क्या कर दिया जाता है, सरकार पर हावी हो जाते हैं कुछ विशेष वर्ग और सरकार के कार्य में विघ्न डाल देते हैं। ठीक है, उसको रोकते हैं कार्य करने से, तो ये जो सिद्धांत है उसकी बुराई कर रहा है। जब औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ तो जो लोग पहले हाथों से कार्य करते थे वो कृषि करते थे या अन्य कार्य करते थे, कोई सा भी कार्य करे, अब उनके पास एक दूसरा विकल्प आया, वह था उद्योगों के द्वारा। मतलब अब उनके पास दो ऑप्शन है, मशीनों के द्वारा भी वो कार्य कर सकते हैं और दूसरा हाथों के द्वारा भी कर सकते हैं। अब लोगों के पास किसी भी कार्य को करने के लिए दो विकल्प थे, ऑप्शन कितने थे, दो। जैसे जैसे औद्योगिक विकास होता गया तो समाज में कुछ वर्गों ने उद्योगों पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया और वे उद्योगों के क्या बन गए, मालिक बन गए और अमीर बनते चले गए। ठीक है, मतलब औद्योगिक विकास हुआ तो उद्योगों पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया और इसके बाद क्या हुआ, वो उद्योगों के मालिक बन गए और अमीर बनते चले गए और उन्होंने कार्य करने के लिए कुछ मजदूरों को लगा दिया, लेबर को लगा दिया और समाज में अमीर गरीब का अंतर उत्पन्न हो गया। और जो, ठीक है, और क्या हुआ, जो मतलब अमीर गरीब का अंतर है वो इतना बढ़ गया कि आज सभी तौर पर हर क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, हर क्षेत्र में हमें असमानता देखने को मिलती है। ठीक है, आज हमें क्या मिलती है,
अमीर गरीब के बीच में असमानता है वो भी हर तौर पर हमें देखने मिलती है, हर क्षेत्र में देखने को मिलती है, उस सरकार के द्वारा जो भी नीति बनाई जाती है, ठीक है, जो भी नीति बनाई जाती है वह अधिकतर इन अमीर वर्गों के हित में ही होती है, क्योंकि अमीर वर्गों ने क्या कर रखा है, समाज पर स्वामित्व पा रखा है, या फिर एक तरीके से कह लो कि सरकार के साथ ही रहते हैं, सरकार के मतलब सरकार के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हों, क्योंकि अमीर वर्गों के द्वारा सरकारी कार्यों में प्रभुत्व कर लिया जाता है, सरकार के कार्यों में क्या करते हों, प्रभुत्व कर लेते हैं, उस सरकार को कोई भी कार्य करें, सरकार को पैसा दिखाया, सरकार वो कार्य बदल देगी, जैसा वो लोग चाहेंगे वही होगा। इसी के विरुद्ध कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांत दिए हैं। कार्ल मार्क्स ने इन्हीं सब बातों पर विचार किया, उसकी बुराई करते हुए कुछ और बात कही है, वो देखते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में अमीर गरीब के बीच की असमानता को दूर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और उन्होंने असमानता, ठीक है, असमानता को दूर करने के लिए क्या बताएं, विकल्प भी प्रदान किए हैं। जो भी असमानता समाज में मौजूद है उसको दूर करने के लिए उन्होंने क्या दिए, विकल्प दिए। किसने? कार्ल मार्क्स ने। उनके अनुसार अमीर वर्गों के संसाधनों का समान वितरण करके समाज में सभी वर्गों को बांट देना चाहिए। अमीर वर्गों से क्या लो, उनके संसाधन लो, और बराबर मात्रा में क्या कर दो, सभी वर्गों को बांट दो, ठीक है। ये आज बहुत ज़्यादा नामुमकिन है, क्योंकि कोई भी लोग अपने संसाधनों को यूं ही थोड़ी ना लुटा देगा, ठीक है। तो इस प्रकार की जो अवधारणा है वो आज इम्पॉसिबल है, लेकिन इनकी थ्योरी है वो हम पढ़ेंगे। तो देखो, इनके अनुसार अमीर वर्गों के संसाधनों का समान वितरण करके समाज में जो वर्ग है सभी वर्गों को बांट देना चाहिए। इस प्रकार समाज के हर वर्गों के पास सभी संसाधन समान मात्रा में उपलब्ध कर दिए जाएंगे, ठीक है। जब सभी लोगों के पास समान मात्रा में जो है संसाधन अगर उपलब्ध हो जाएंगे तो वो समाजवाद बन जाएगा, ठीक है। और समाज में अमीर और गरीब के बीच की असमानता को दूर भी किया जा सकेगा, ठीक है। अमीर गरीब के बीच की जितनी भी असमानता हर क्षेत्र में वो भी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। साथ ही साथ कार्ल मार्क्स सरकार के विरुद्ध भी थे, वो सरकार चाहते ही नहीं थे कि सरकार का प्रभुत्व हो, क्योंकि सरकार अगर होगी तो अमीर वर्ग क्या करेंगे, दोबारे बन जाएंगे, और अमीर वर्ग सरकार की जो नीति है, सार्वजनिक नीति है, उसमें विघ्न डालेंगे या प्रभुत्व कर लेंगे, जिससे सरकार जनता के हित के लिए कानून नहीं बनाएगी। तो सरकार के विरुद्ध थे वे, राज्य के अंत के पक्ष में थे, राज्य को नहीं चाहते थे, ठीक है। वे चाहते थे कि जनता का शासन होना चाहिए, जनता क्या करे, स्वयं शासन करे, ठीक है। हर व्यक्ति का शासन पर खुद ही वो होना चाहिए, प्रभुत्व होना चाहिए। यदि जनता स्वयं शासन करेगी तो अपने हित के लिए या कानून या किसी का नियम, किसी प्रकार का नियम बना सकेगी, ठीक है। यदि राज्य होगा तो फिर से कुछ विशेष वर्गों के द्वारा राज्य की शक्ति का प्रयोग किया जाएगा, और केवल विशेष वर्गों के हितों के लिए ही नीतियाँ बन पाएगी, जिससे आम जनता क्या होगी, या आम लोग उससे वंचित रह जाएंगे। कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांतों में यह भी बताया कि समाज में मौजूद समस्या तभी लोगों के लिए समस्या रहेगी जब उसका समाधान प्रभुत्वशाली लोगों के लिए होगा। देखो, जो भी समाज में मौजूद समस्या है, यह सामाजिक समस्या, वो तब तक समस्या रहेगी जब तक उसका समाधान कौन कर रहे हैं, प्रभुत्वशाली लोग, अमीर लोग कर रहे हैं, ठीक है, तब तक रहेगी। अगर वो खुद करने की कोशिश करें, जिस जनता को प्रॉब्लम है, अगर जनता खुद सॉल्व करने की कोशिश करे तो वो समस्या समाधान में बदल जाएगी, ठीक है। तीसरा आता है नव संस्थावादी सिद्धांत। ये सबसे इजी सिद्धांत है, हालांकि जो ऊपर के हमने दो पढ़े वो भी बहुत इजी थे, बस आपको थ्योरी समझनी है एक कहानी के तौर पे, ठीक है। बाकी ये जो हमने ऊपर वाला पढ़ा सेकंड वाला, ठीक है, कार्ल मार्क्स वाला, ठीक है, नव जो मार्क्सवादी वाला है, तो वो बहुत ज़्यादा ईजी था। बाकी इसमें भी देखो, ये भी ईजी है, नव संस्थावादी सिद्धांत। इसमें इंस्टीट्यूट की बात की जाती है, संस्था की बात की जाती है जो सरकार के द्वारा स्थापित है। तो देखो, इसमें बहुत इजी है, 11th क्लास का ये टॉपिक है। इसके अंदर बताया गया कि जब भी सरकार किसी प्रकार की नीति का निर्माण करती है, कोई भी नीति बनाती है जो कि जनता के भले के लिए हो या हित के लिए हो, भले के लिए हो या फिर, तो उस नीति का विश्लेषण करना या जांच पड़ताल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उस नीति का विश्लेषण किया, ठीक है, मतलब नीति के विश्लेषण या जाँच पड़ताल के लिए, जो भी नीति है उसका विश्लेषण या फिर जांच पड़ताल के लिए संस्थाओं का योगदान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या ज़रूरी है, ठीक है। इंस्टीट्यूट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि संसद जो नीति का क्या करेगी, निर्माण करे, या नीति को लागू करने के लिए कार्यपालिका है, और उसकी सुरक्षा करने के लिए संविधान भी है, न्यायपालिका भी है, और नीति का प्रचार प्रसार करने के लिए तो मीडिया है ही। तो ये सारी की सारी क्या संस्थाएँ हैं, इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो इन इंस्टीट्यूट या संस्थाओं का भी नीति के विश्लेषण में बहुत ज़्यादा ही महत्व होता है। ये जांच पड़ताल करती है, या फिर जनता की जो फीडबैक होती है वो भी लेती है कि जनता को ये जो नीति नियम बनाए, जो बनाए हमने, वो पसंद भी है या नहीं है।
तो इस प्रकार की खोजबीन करने में मदद करती हैं ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद बात करते हैं राज्य की उत्पत्ति और इस टॉपिक को हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। सेकेंड यूनिट के बाद अपनी थर्ड यूनिट आती है, वो भी मैं आपको अभी थोड़े समय में उपलब्ध करा दूंगा क्योंकि अपने पास दो ही दिन है, आज का समय तो जाने ही वाला है, तो देखते हैं राज्य की उत्पत्ति। अब राज्य बना कैसे, इस बार में तो मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, ठीक है, कई बार हमने थ्योरी में भी देखा है, तो देखते हैं और समझते हैं दोबारा इसको। देखो राज्य की उत्पत्ति प्रारंभिक समय में, अगर सबसे पहले की बात करें ना, तो सभी लोग क्या थे, बराबर थे, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था, सभी लोग क्या करते थे समाज में बराबर से, और कोई भी कार्य अगर दूसरे के लिए करना हो ना तो दिल से करते थे, स्वार्थ के लिए नहीं कि भाई पैसा दे तभी काम करूँगा, ठीक है। सभी लोग बराबर थे, किसी प्रकार का कोई भेदभाव भी नहीं था, डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं था, और उस समय लोगों को आदि मानव या आदिकालीन मानव कहा जाता था क्योंकि मनुष्य का विकास भी नहीं हुआ था और जनसंख्या क्या थी उस समय कम थी, ठीक है। जितने भी लोग रहते थे वो भाईचारा बना के रहते थे, एक साथ रहते थे, ठीक है, वो दिल से रहते थे और दिल से कोई कार्य करते थे। परंतु जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी तो भाई संसाधन की सीमितता दिखाई दी कि भाई क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ते जा रही है, संसाधन देखो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। पहले क्या करता था कोई भी व्यक्ति, खाना अगर खाता था तो पेड़ से तोड़ के खा लेता था, ठीक है, किसी से पूछना भी नहीं पड़ता था। धीरे धीरे क्या हुआ, पहले व्यक्ति को मान के चलो जितनी भूख होती थी ना वो जाता था और तोड़कर खा लेता था। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी तो अब क्या करता है, व्यक्ति जाता है लेने के लिए लेकिन थोड़ा सा बचा के थोड़ा सा क्या करता है, एक्स्ट्रा तोड़ लेता है, पहले जितनी भूख थी उतना लेता था। जैसे मान के चलो किसी को सेब खाना है तो जाएगा तोड़ेगा खा लेगा, ठीक है, उसकी भूख ख़त्म, तो वो जितनी भूख थी उतनी ही लेगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी तो संसाधन सीमित कैसे हुए, देखो जो मानव था या कोई भी व्यक्ति वो जाएगा सेब अगर उसे खाना है जितना, जैसे मान के चलो दो सेब खाने हैं तो दो सेब तोड़ लिए लेकिन वो क्या करेगा, तीन चार एक्स्ट्रा तोड़ लेगा, ठीक है, उसके बाद छः सात हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो बाद के लिए बचा के रहेगा, क्या पता भाई वो जब तक उसको दोबारा भूख लगे तो भाई कोई और आके ले जाए, तो वो क्या करेगा दिमाग से चलेगा, वो सीमित संसाधन हो गए तो जिसकी वजह से वो क्या करता था, अधिक जो फल फ्रूट है वो तोड़ लेता था। तो संसाधन की सीमितता दिखाई देने लगी जब जनसंख्या बढ़ने लगी, अर्थात जनसंख्या के बढ़ने पर संसाधन क्या हो गए, सीमित हो गए, कम हो गए, और लोगों ने संसाधनों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। भाई संसाधन सीमित नहीं हुए बल्कि जनसंख्या बढ़ गई है, इसलिए तुम्हें संसाधन कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या बहुत है तो भाई लोग भी तो खाएंगे और कुछ, ठीक है, संसाधनों का यूज़ तो करेंगे जैसे तुम कर रहे हो। जिस व्यक्ति के पास संसाधन बहुत ज़्यादा हुए वह उच्च वर्ग कहलाया, ठीक है, और जिस जो मतलब कि उच्च वर्ग होता है हाई क्लास वो, और बाकी जिस व्यक्ति के पास संसाधन कम हुए वह निम्न वर्ग कहलाया लोअर क्लास। तथा लोगों ने समय के साथ साथ स्वार्थ की भावना जगती गई, लोग क्या हो गए, सेल्फिश हो गए, ठीक है, लोग अब कोई भी कार्य करते हैं तो पैसा कमाने के लिए करते हैं क्योंकि उनको आर्थिक विकास से मतलब है। अब सामाजिक कल्याण गया भाड़ में, अब उन्हें क्या करना है, आर्थिक विकास करना है, वो भी कौन सा, निजी मतलब प्राइवेट खुद का, ठीक है, वो समाज पर ध्यान नहीं देंगे, अब वो क्या करेंगे खुद का विकास करने पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, उनको अब कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद बोला गया लोगों ने समाज को चलाने के लिए, ठीक है, ये राज्य को चलाने के लिए एक व्यक्ति को चुना, लोगों ने क्या करा कि भाई अब ना बहुत सारे लोग हो गए तो उनको क्या चाहिए, अब एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जो समाज को चला सके या राज्य को चला सके, एक व्यक्ति को चुना, जिसमें व्यक्ति का चयन करते समय सभी लोगों की समान भागीदारी थी। हर लोग क्या करेंगे, वो राय देंगे कि ये व्यक्ति सही है क्या, ये व्यक्ति समाज को चला सकता है, राज्य को चला सकता है, तथा इसे ही सामाजिक समझौता कहा गया। लोगों ने क्या करा, समाज में समझौता किया कि हम एक व्यक्ति को ऐसा चुनेंगे जो समाज के सभी लोगों की क्या लेगा, जिम्मेवारी लेगा और सभी लोगों के जीवन को सुधारेगा, क्योंकि समाज के द्वारा एक समझौता किया जाता है कि एक व्यक्ति जो बुद्धिमान हो, जो राज्य समाज को सही प्रकार से चला सके, ये समाज के हित के लिए कोई निर्णय ले सके या नीति बना सके, उसको राज्य का राजा बना दिया जाए, ठीक है। उदारवाद राज्य का सिद्धांत सबसे सिंपल है, ठीक है, क्योंकि राज्य का सिद्धांत तो हमने पढ़ लिया, राज्य की उत्पत्ति भी पढ़ ली, आप देखेंगे उदार, ठीक है, इसमें उदार लग गया बस। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति को महत्व दिया जाता है क्योंकि उनके अनुसार पहले एक व्यक्ति को महत्व दिया जाना चाहिए, ठीक है, मतलब क्या होता है उदारवाद में ना, राज्य की जो भूमिका होती है, सरकार की भूमिका, वो कम कर दी जाती है, ठीक है, और एक व्यक्ति को महत्व देंगे तो सभी व्यक्ति को क्या मिलेगी, खुद ही महत्व मिल जाएगा। एक व्यक्ति पर ध्यान दो पहले, क्योंकि एक व्यक्ति को महत्व देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर एक व्यक्ति को देंगे फिर बाद में। व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी दो,
उदार रहो उनके प्रति, इसमें राज्य की भूमिका कम हो, ठीक है, राज्य की भूमिका क्या होती है, कम होती है, तथा राज्य की जो है सरकार, जो राज्य की सरकार है या सॉरी जो भी राज्य के कार्य हैं उसकी सीमितता होनी चाहिए। राज्य के कार्य की क्या होनी चाहिए, सीमितता, मतलब कि लिमिट होनी चाहिए। राज्य के कोई सा भी कार्य करे वो सीमित या फिर लिमिट में रहकर करे, ठीक है। राज्य के कुछ ही कार्य होते हैं वो भी हम नीचे देख लेते हैं। तो देखो राज्य के जो कार्य हैं वो सीमित है, वो भी कैसे हैं, राज्य को केवल कुछ ही कार्य करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए, ठीक है। राज्य तभी दखल करे जब उसकी जरूरत हो। इसका प्रमुख कार्य कानून व्यवस्था को बनाए रखना, लोगों की सुरक्षा करना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वही एंडिंग हो गई, ठीक है। राज्य का कुछ ही कार्य होगा, केवल कुछ ही कार्य कर सकते हो, पहला कानून व्यवस्था बनाए रखे, दूसरा लोगों की सुरक्षा करे, बाकी जनता तो खुद ही कर लेगी, जनता जानती है। तो गाइस अपना जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो है अपना राजनीतिक अर्थव्यवस्था नीति के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विस्तार पूर्वक समझाइए। मतलब कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था जो है या राजनीतिक जो मतलब कि अर्थव्यवस्था से संबंधित जिसमें बात की गई है वो नीति के निर्माण में कैसी भूमिका निभाती है, क्या ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या नहीं करता, तो उसके बाद में आपको लिखना है। बाकी राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में कोई से क्वेश्चन है आपको वही लिखना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। राजनीतिक का मतलब होता है जिसमें सरकार आती हो, ठीक है। भारत की राजनीति के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी राजनीति की अगर हम बात करते हैं इस टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या आती है, सरकार। इसमें राजनीति का मतलब क्या है, सरकार से है। और दूसरी बात अर्थव्यवस्था, मतलब सरकार क्या करती है, कोई सरकार अर्थव्यवस्था के बारे में सोचती है, मतलब आर्थिक विकास के बारे में सोचती है। अब तीसरा वर्ड आ गया इसमें नीति। अब इन तीनों वर्ड को कनेक्ट करके हम इसको जानेंगे। देखो राजनीति में सरकार, इसके बाद आता है अर्थव्यवस्था, मतलब आर्थिक विकास से है या फिर पैसों को लेकर ना अमीर जो है अमीरी देखकर वो नीति वगैरह से, मतलब इसमें अर्थव्यवस्था के विकास को ध्यान में रखा जाता है। तीसरा आता है नीति जो सरकार के द्वारा बनाई जाती है। अब इसको हम तीनों को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि देखो नीति जो होती है उसका निर्माण सरकार के द्वारा किया जाता है तो वो लोक नीति बन जाती है, ठीक है। और वो जो निर्माण जो भी नीति का निर्माण किया गया वो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए किया गया जो सरकार के द्वारा किया गया, तो इसको हम बोलेंगे राजनीतिक अर्थव्यवस्था एवं नीति, ठीक है। सरकार के द्वारा कोई नीति बनाई गई और उसको थ्रू क्या किया गया, उसके थ्रू आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया गया, इसको हम बोलेंगे राजनीतिक अर्थव्यवस्था एवं नीति। तो इसी के बारे में हम सबसे पहले जो टॉपिक दे रखा है ना राजनीतिक अर्थव्यवस्था एवं नीति उसमें जानेंगे, ठीक है। तो देखो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मैंने ये जो नोट्स है वो तैयार किए हैं, तो इसको देखते और समझते हैं। लोक नीति का निर्माण करते समय और उसको लागू करते समय पहले बनाई जाएगी वो नीति जो सरकार के द्वारा है वो बनाई जाएगी और उसको लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। और उस समय जनता के हितों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है, मतलब जनता के हितों को या फिर भले को ध्यान में रखकर ही उस पॉलिसी को बनाया जाता है और लागू किया जाता है, तथा जनता के बीच में जो भी टकराव होते हैं, ठीक है, उसको किसी भी समस्या को लेकर उसका समाधान करने पर भी जोर दिया जाता है। कि जनता के बीच में बहुत से टकराव रहते हैं, कुछ जनता चाहती है कि इस प्रकार की पॉलिसी बनाई जाए लेकिन कुछ जनता चाहती है कि इस प्रकार की पॉलिसी बनाई जाए, ठीक है। मतलब अलग अलग विचारधारा होती है तो उसका समाधान करने की भी कोशिश की जाती है और उन सबको ध्यान में रखकर एक ऐसी नीति बनाई जाती है जिस पर सभी लोगों की क्या हो, सहमति हो, ठीक है। तो सरकार इन सभी चीज़ों का ध्यान रखती है जब वो नीति का निर्माण करती है। आगे बोला गया है राजनीतिक अर्थव्यवस्था में देश में समाज में शांति बनाए रखने के लिए लोक नीति का निर्माण किया जाता है, तथा देश की तरक्की के लिए या देश का आर्थिक विकास करने के लिए लोक नीति का निर्माण किया जाता है, ठीक है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था वाली बात कर रहे हैं जिसमें आर्थिक विकास पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास पर ही ध्यान दिया जाता है। आर्थिक विकास करने के लिए लोक नीति का निर्माण किया जाता है और यह राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया था राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अंदर यही आता है कि जनता के हितों की ओर ध्यान रखा जाएगा, शांति बना के रखी जाएगी, दूसरा सरकार क्या करेगी आर्थिक विकास के लिए कोई कानून बनाएगी, यही राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सब कुछ आता है। जैसे कि कुछ लोग व्यापार को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था का विकास करते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। कुछ लोग क्या करेंगे व्यापार या ट्रेड वगैरह जो होते हैं, ठीक है, बिजनेस वगैरह को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था का विकास कर सकते हैं और रोजगार प्राप्त करके भी लोग क्या कर सकते हैं अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकते हैं या अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सकता है। लोगों को अगर लोग क्या होंगे बेरोजगार होंगे तो अर्थव्यवस्था का विकास नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है। तो अगर लोग रोजगार का अवसर अगर उनको मिल जाता है, मतलब उनको क्या मिल गई एम्प्लॉयमेंट मिल गई, तो वो क्या करेंगे अब अर्थव्यवस्था का विकास करेंगे, सबसे पहले अपना विकास, देन उसके बाद अगर सभी लोग मिल जाएंगे तो अर्थव्यवस्था का विकास खुद ही हो जाएगा जब रोजगार का अवसर मिलेगा उनको, ठीक है, या विकास किया जा सकता है। और यह सब एक प्रकार की लोक नीति है, जनता के भले के लिए बनाई जाती है और यह हित के लिए बनाई जाती है, ठीक है। जब अर्थव्यवस्था का विकास होगा
तब लोगों की आय बढ़ने लगेगी, ठीक है, अर्थव्यवस्था का जब विकास होगा तो आय बढ़ने लगेगी, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण सरकार की इनकम या आय भी बढ़ेगी, क्योंकि रोजगार के बढ़ने के साथ साथ जनता सरकार को क्या करेगी, कर जो है या टैक्स देगी। मतलब मान के चलो अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो बेरोजगार है, इसमें बताया गया है कि मतलब जो सरकार है वो क्या करेगी, पॉलिसी बनाएगी, ठीक है। मतलब क्या होगा कि अगर लोगों को रोज़गार मिल जाता है, ठीक है, जैसे मान के चलो अब लोग क्या कर रहे हैं, काम पे जाने लग गए, उनकी जॉब लग गई है, तो इससे क्या होगा, बहुत सारा जो पैसा है वो जो मतलब कि अपनी देश है उसके अंतर्गत चलता रहेगा, इधर उधर चलता रहेगा, ठीक है, उसका आदान प्रदान होता जाएगा। तो सरकार को क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। अब सरकार उसका कुछ परसेंट अपने पास रखती है, ठीक है, बाकी जो कट के जाता है वो उनकी सैलरी बन जाती है। तो इसी बात पे ना, जब लोग रोज़गार अगर लोगों को प्राप्त होगा तो साथ ही साथ जनता क्या करेगी, जो जिनको रोज़गार मिला है वो सरकार को अब क्या देगी, टैक्स देगी, सरकार को अब कर देगी। अब इसके बाद बोला गया लोक नीति का निर्माण बाजार के अंतर्गत मौजूद कमियों को दूर करने के लिए भी बनाया जाता है, ठीक है। मतलब बाजार के अंदर जितनी भी कमियां हैं ना उसको दूर करने के लिए भी लोक नीति का निर्माण किया जा सकता है। अब बाजार का मतलब क्या है, इसमें ना अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था से संबंधित हम बाजार के अंतर्गत की बात भी करेंगे, ठीक है। जितनी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रॉब्लम है या कमियां है उसको दूर करने की कोशिश की जाती है लोक नीति के द्वारा, तभी तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था बन सकती है। जैसे कि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन जो होता है उसको बढ़ाने के लिए लोक नीति का निर्माण करना, या फिर लागत जो भी किसी वस्तु को बनाने में जो कॉस्ट लगती है उसको कम करने के लिए, ठीक है, या फिर लोक नीति का निर्माण। देखो अगर लागत को कम करेंगे ना तो उसके बाद जो उसका मार्केट प्राइस होगा वो भी क्या होगा, थोड़ा सा लिमिट में होगा। अगर लागत ही कॉस्ट मतलब किसी वस्तु को बनाने में अगर कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा होगी तो उसका जो मार्केट प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। जो मार्जिनल प्राइस होता है ना वो भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो लागत अगर लिमिट में होगी तो प्राइस भी उसका क्या होगा, लिमिट में होगा। तो इसलिए ना उसकी जो लागत होती है किसी भी चीज़ की लागत, उसको कम करने के लिए लोक नीति का निर्माण सरकार के द्वारा किया जाता है। तो सरकार क्या करती है, सरकार के द्वारा व्यापारियों की अच्छी मशीन, व्यापारियों को अच्छी मशीन या बढ़िया उद्योग प्रदान करना जिससे उनकी उत्पादकता की दर बढ़ सके, वो कम समय में ज़्यादा उत्पादन कर सके, या फिर सरकार के द्वारा अधिक कीमत वाली वस्तुओं पर सब्सिडी प्रदान करना। अगर किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा भी हो जाती है तो सरकार उस पर सब्सिडी या अनुदान या फिर आर्थिक सहायता देकर उसकी कीमत में कंट्रोल कर सकती है और आधा भुगतान वो खुद ही कर सकती है, ताकि जनता को वे कम कीमत पर उपलब्ध हो सके, तो जनता को कुछ छूट भी मिल सके, ठीक है। इसके विपरीत अगर हम देखें, यदि सरकार किसी प्रकार की लूट किसी प्रकार की जो है नीति का निर्माण करती है, सरकार ने क्या करा, इसके विपरीत अगर सरकार किसी प्रकार की कोई नीति का निर्माण करती है और उसको लागू कर देती है जो कि केवल कुछ विशेष वर्गों और अमीरों को या फिर पार्टी, ठीक है, या फिर पार्टी के लिए होती है और जिनसे आम जनता को कोई लाभ नहीं होता, मतलब सरकार क्या करती है, अब उनके लिए नीति बना रही है जो अमीर वर्ग है, गरीबों के ऊपर या आम जनता के ऊपर वो ध्यान ही नहीं दे रही, जिनसे आम जनता को क्या होगा, लाभ नहीं होगा या प्राप्ति नहीं होता, केवल अमीर वर्गों को ही लाभ प्राप्त होता है, तो वह नीति जनता के लिए हित के लिए नहीं होती, ठीक है। कुछ वर्गों के द्वारा सरकार को धन दिया जाता है, सरकार को मान के चलो कुछ अमीर पार्टी क्या करती है, सरकार एक व्यक्ति है वो सरकार बनाना चाहता है, जब सरकार की बात करते हैं, और अमीर वर्ग क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि हम तुम्हें पैसा देंगे और तुम्हें सरकार जितवा, मतलब तुम्हारे को जितवा देंगे, तुम हमारे लिए नीति का निर्माण करना, इस प्रकार की हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम सरकार बन, तुम्हारी सरकार बन जाएगी और उसके बाद तुम हमारे लिए काम करना। तो क्या होता है कि कुछ अमीर वर्ग ना इसी तरह ना धन देकर सरकार बनवा देते हैं और साथ ही साथ उन सरकार को क्या बोलते हैं कि इस प्रकार की नीति बनाओ जो हमारे लिए फ़ायदे के लिए हो, ठीक है। सरकार को धन दिया जाता है तो वह सरकार धन की लालसा में आकर उन अमीर वर्गों के लिए क्या बनाएगी, लोक नीति का निर्माण करती है। इस प्रकार की नीति से समाज का कल्याण संभव नहीं है, ठीक है, इससे क्या होगा, समाज का कल्याण नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें यह बताया गया कि धन की लालसा में आकर सरकार क्या कर देती है, कुछ अमीर वर्गों के पास चली जाती है और उन्हीं के लिए कार्य करती है। सरकार को बिना किसी भेदभाव के समाज के कल्याण के लिए, मतलब लोगों के भले के लिए ही क्या बनानी चाहिए, कोई भी नीति का निर्माण करना चाहिए। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है राजनीतिक अर्थव्यवस्था के विश्लेषण के मुख्य उद्देश्य, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। लोक नीति का निर्माण करते समय सबसे पहले ये ध्यान दिया जाता है कि किस प्रकार की नीति का चयन करना है। मतलब कभी भी लोक नीति बनाई जाती है, सरकार के द्वारा बनाई जाती है, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि किस प्रकार की नीति हमें चुननी है और उसको लागू करना है। लोक नीति का निर्माण करने में सरकार को अधिक से अधिक संस्थाओं का समर्थन होता है।
ठीक है। लोक नीति कभी भी सरकार बनाती है तो वो अकेले नहीं बनाती, उसको अलग अलग इंस्टीट्यूट या फिर संस्थाओं की ज़रूरत पड़ती है, और अलग अलग संस्थाएँ क्या करती हैं, उनका साथ देती है किसी भी नीति को बनाने में। लोक नीति का निर्माण करने में सरकार के साथ साथ संस्थाओं और हित समूह, ठीक है, हित समूह जो होते हैं ना, जिनकी विचारधारा क्या होती है, एक ही प्रकार की होती है, और उसमें एक ही प्रकार के विचारधारा के लोग शामिल होते हैं, और वो एक ही प्रकार की नीति का जो है, एक ही प्रकार की नीति का निर्माण करने के लिए सरकार को क्या करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, तो वही इस समूह कहलाते हैं। तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी लोक नीति का निर्माण करने में, सरकार का, संस्थाओं का और हित समूह का। फिर इसके बाद बात करते हैं राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण, राजनीतिक शक्ति का बंटवारा। तो देखो, राजनीतिक शक्ति को दो भागों में बांटा गया है। पहला, सबसे पहले आरंभिक समय, अगर प्राचीन समय की बात करें या फिर मध्यकाल की बात करें, तो जब भी नीतियाँ बनाई जाती थी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, तो निवेशकर्ता या बिजनेसमैन या फिर उद्योगपति जो होते हैं ना, बड़े बड़े उद्योगपति के द्वारा की ही नीति का निर्माण किया जाता था, ठीक है। बिजनेसमैन या फिर बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं उनके द्वारा ही नीतियों का निर्माण किया जाता था, क्योंकि उनको ही समाज में सर्वोच्च माना जाता था, सबसे बड़ा, यही है जो नीति का निर्माण कर सकते हैं और हमारे लिए, हमारा जो जीवन है उसको सुधार सकते हैं, क्योंकि इनको सर्वोच्च माना जाता था, क्योंकि ये अमीर वर्ग थे। दूसरी बात करते हैं आधुनिक काल की। पहला तो हमने पढ़ लिया, दूसरा है आधुनिक काल, जो प्राचीन काल और मध्यकाल के बाद वाला काल है। आधुनिक काल में अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए, आर्थिक विकास करने के लिए या फिर आर्थिक विकास करने के लिए सरकार की भूमिका का होना जरूरी है। अब अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए सरकार नीति का निर्माण करती है, और संविधान की सभी धाराओं को ध्यान में रखकर ही वह नीति का निर्माण करती है। सरकार क्या करेगी, कोई भी नीति बनाएगी और वह संविधान की सभी धाराओं या पहलुओं को या तथ्यों को देख कर ही क्या करेगी, उसके अंडर में रहकर वो नीति का निर्माण करती है सरकार, ठीक है। तो ये होता है आजकल, ये वर्तमान स्थिति और वो पहले की स्थिति थी। अब क्या हुआ, लोक नीति के आयाम पढ़ेंगे हम। पहला, लोक नीति के विश्लेषण मतलब उसका अध्ययन करने के लिए या जांच पड़ताल के लिए चार आयाम होते हैं, बहुत ही सिंपल है, वो भी देखते हैं। वर्तमान में बनाई जाने वाली नीतियों का प्रभाव, सरकार के द्वारा जनता के भले के लिए जो भी नीति बनाई जाती है, वो सरकार नीति बनाते समय, तो सरकार नीति बनाते समय इस बात का अवश्य ध्यान देती है कि जो भी नीति समाज के हित के लिए या भले के लिए बनाई जा रही है, उससे भविष्य में जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या ये नीति सकारात्मक होगी या नकारात्मक होगी। तो इस प्रकार की जो स्थिति है वर्तमान में देखने को मिलती है, जब भी सरकार कोई नीति का निर्माण करती है तो वो भविष्य को भी ध्यान में रखकर करती है कि भविष्य में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। दूसरा आता है प्रोत्साहन करना, ठीक है, अप्रिसिएट करना, ये कह सकते हो आप, समर्थन करना। नीति का निर्माण करते समय जो मतलब कि, या नीति का निर्माण करते समय उसको, उस नीति को लागू करते समय ये ध्यान दिया जाता है कि इस नीति से किस किस को प्रोत्साहन मिल रहा है, ठीक है, और मतलब ये जो नीति है वो कौन कौन लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये बहुत सही नीति बनाई गई है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नीति से प्रभावित हैं तो यह नीति समाज के कल्याण के लिए है। तीसरी बात करते हैं आधुनिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था, मतलब आज की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में। आज के भारत में किसी भी प्रकार की नीति का निर्माण यदि सरकार के द्वारा किया जाता है, वो तो लोक नीति हो गई, और वह अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हो, मतलब आर्थिक विकास के लिए हो, तो वह लोक नीति समाज के कल्याण के लिए है। परंतु वह नीति प्रभुत्वशाली या अमीर वर्गों के द्वारा, जो प्रभुत्वशाली लोग होते हैं उनके द्वारा प्रभावित ना हो, क्योंकि ऐसे में क्या हो सकता है, आम जनता के हितों की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था। ये कई बार जो टॉपिक है ना, इसके अंतर्गत क्या होंगे, कई ज़्यादा जितने भी टॉपिक है ज़्यादातर वो रिपीटेड है, ठीक है। तो बस आपको ब्लैक पॉइंट जो है वो याद रखने, जो मैंने आपको बताया, हैशटैग लिख के बताया, हित समूह लोक नीति ये सब। अब जानेंगे हम हित समूह और लोक नीति, ये अपना अगला टॉपिक है। तो देखो, हित समूह एक ऐसा समूह होता है, सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर इसकी जो मतलब इसका मतलब क्या होता है वो बता देते हैं। हित समूह एक ऐसा समूह है, मतलब ग्रुप है, मिलकर बनाया जाता है जो, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जनता क्या होती है, मिलकर एक समूह बना देती है, और इसमें शामिल सभी व्यक्ति के विचार और उद्देश्य, जो एम होता है, उनका लक्ष्य होता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, समान होते हैं। ये एक ही प्रकार की क्या करते हैं, कोई कार्यक्रम को, एक ही प्रकार का कार्यक्रम चाहते हैं, जो सरकार सरकार से क्या करेंगे, ये मांग करेंगे, और सरकार उस मांग को पूरा करेगी, ठीक है, उस पर नीति बनाएगी। तो ये इसमें सभी व्यक्ति जो होते हैं, ये इसके विचार और उद्देश्य वो समान होते हैं, और ये आपस में मिलकर एक कार्यक्रम बनाते हैं, जिसको हम हित समूह कहते हैं। और अब बात करते हैं हम थॉमस आर डाई के अनुसार हित समूह क्या है। समाज में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं तथा अनेक प्रकार के हित समूह भी बनाए गए हैं, ठीक
ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है कि जिसमें जैसे मान के चलो बहुत सारे व्यक्ति हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि वुमेन को क्या मिलना चाहिए, एम्पावरमेंट, या मतलब कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं कि वुमेन को एम्पावरमेंट नहीं मिलनी चाहिए, मतलब महिलाओं को सशक्तिकरण नहीं करना चाहिए, उनके लिए थोड़ी सी लिमिटेशन या सीमाएं बनानी चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग विचार हैं। तो कुछ लोग जो होंगे ना किसके सपोर्ट में होंगे, महिला के सशक्तिकरण के सपोर्ट में, मतलब महिलाओं को पावर मिलनी चाहिए, उनको राइट्स मिलने चाहिए, नारीवाद के समर्थक में होंगे। तो क्या होगा, जो लोग इस विचारधारा को मानते हैं वो एक ग्रुप बना लेंगे, ठीक है, वो मान लेते हैं ए ग्रुप हो गया। बी जो है वो क्या मानता है, महिलाओं के ऊपर कुछ सीमाएं होनी चाहिए, जैसे कि उनको 8 बजे के बाद या रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको मतलब कि कोई भी जॉब वगैरह नहीं करनी चाहिए, उनको केवल घर के कार्य तक ही सीमित रखना चाहिए। तो इस प्रकार की जो भी विचारधारा, वो अगर कुछ लोग अगर इसके सपोर्ट में होंगे तो वो बी ग्रुप हो गया। तो इस प्रकार दो प्रकार के हित समूह बन गए, एक चाहता है महिला सशक्तिकरण, दूसरा चाहता है महिला को सीमाएं, महिला की ऊपर क्या होनी चाहिए, कुछ सीमाएं होनी चाहिए। तो ये है थॉमस अडाई के अनुसार ये बताया गया कि देखो इसमें ना अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, लोग होते हैं और अनेक प्रकार के हित समूह भी बनाए जाते हैं, ठीक है। हित समूह भी अलग अलग प्रकार के हो गए। तो इसके बाद इसमें बोला गया है, देखो अलग अलग प्रकार के हित समूह हो गए और हित समूह अलग अलग भी होते हैं, जिसके कारण थॉमस अडाई का कहना है कि समाज में हित समूह की अलग अलग विचारधारा होने के कारण उनके लिए लोक नीति का निर्माण करना एक समस्या बन गया है कि भाई सरकार अब किसके लिए करे। कुछ लोग चाहते हैं कि, कुछ जनता चाहती है कि भाई इस महिला को सशक्तिकरण हो, वो राइट्स दो, कुछ कह रहे हैं कि मत दो। तो अब सरकार किसकी सुनेगी, जनता तो दोनों है। तो इसमें क्या होता है, सरकार के सामने बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हर किसी की समस्या अलग अलग है, ठीक है, और हर कोई व्यक्ति जो है अलग अलग नीति चाहता है। ये अलग नीति जो हित समूह ए है वो अलग नीति चाहता है, और हित समूह बी है वो अलग नीति चाहता है। तो ऐसे में क्या करेगी सरकार, नीति बनाने से पहले ना उन सबकी राय ले लेगी और उसके बाद ना उन सबको समझाएगी या सुझाव वगैरह देगी। वो एडवर्टीजमेंट वगैरह कर सकती है या फिर कोई मीडिया वगैरह के थ्रू सरकार क्या करेगी, उनको समझाने की कोशिश करेगी। जब तक उनकी विचारधारा सेम ना हो जाए, या मेजोरिटी जिसे हम कह सकते हैं ना, अगर वो मेजोरिटी ना हो या बहुमत ना मिल जाए उस नीति के लिए जो कि सही है, ठीक है, क्योंकि दो ऑप्शन है, महिलाओं को राइट्स दो या ना दो। तो जब तक बहुमत नहीं मिलता ना, तब तक सरकार क्या करेगी, उनको एडवर्टीजमेंट या मीडिया के थ्रू समझाती रहेगी। जहाँ वो एग्री हो जाते हैं वहीं सरकार क्या करेगी, उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेगी कि किस पे नियम बनाया जाना चाहिए या नीति बनानी चाहिए। तो ये था। फिर इसके बाद बात करते हैं हित समूह का लोक नीति में योगदान। अब कोई भी सरकार नीति बनाती है तो उसमें हित समूह का क्या योगदान होता है वो देखते हैं। सरकार के द्वारा लोक नीति का निर्माण करते समय अलग अलग हित समूह अपना योगदान देने का प्रयास या कोशिश करते हैं, लोक नीति को प्रभावित करते हैं और सामाजिक मांग के द्वारा सरकार को लोक नीति बनाने पर मजबूर करते हैं कि सरकार क्या करे, उनके लिए लोक नीति बनाए उनके भले के लिए। फिर आता है इसके बाद हित समूह के भाग। हित समूह को आमतौर पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला आर्थिक हित समूह, इसमें अर्थव्यवस्था के जितने भी वो होते हैं आर्थिक विकास पर जोर दिया जाता है। तो कुछ हित समूह ऐसे होते हैं जो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए या आर्थिक विकास के लिए क्या करते हैं, सामाजिक मांग करते हैं सरकार से। दूसरा है लोक हित के लिए, मतलब कुछ लोग क्या चाहते हैं, लोगों का कल्याण हो, समाज के अंदर लोगों के किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, तो इस प्रकार की नीति का निर्माण करवाना चाहते हैं। तो लोग क्या करते हैं, सामाजिक मांग करते हैं सरकार से कि सभी को क्या मिलने चाहिए, राइट्स मिलने चाहिए इक्वल। फिर आता है पेशेवर हित समूह, इसमें ना बिजनेसमैन वगैरह जो होते हैं या निवेशकर्ता उनसे संबंधित है ये। फिर आता है इसके बाद, ये अपने तो भाग हो गए हित समूह के, अब ये बात करते हैं हित समूह के योगदान और मतलब हित समूह के लाभ और हानि। फिर इसके बाद ये यूनिट भी अपनी कंप्लीट हो जाएगी, तो देखो और समझते हैं। बाकी इसके बाद मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर क्वेश्चन जो कैसे बन के आता है। अलग अलग हित समूह के द्वारा, ठीक है, अलग अलग हित समूह के द्वारा सामाजिक मांग की जाती है। बहुत सारे हित समूह क्या करते हैं, सामाजिक मांग करते रहते हैं और सरकार उस मांग को पूरा करने के लिए नीति का निर्माण करती है, ये भी हमने जान लिया। इसमें सरकार को ये पता चल जाता है कि समाज में किस प्रकार की समस्या विद्यमान है, ठीक है, समाज में किस तरह की समस्या क्या है मौजूद है और उनको दूर करने के लिए मुझे किस प्रकार की नीति का निर्माण करना है। क्योंकि ना हित समूह क्या करते हैं, अलग अलग हित समूह बन जाते हैं, तो वो क्या होता है, बड़े लेवल पर ना बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है कि इस प्रकार के लोग हैं और ये चाहते हैं कि मतलब कि इस प्रकार की नीति बननी चाहिए। क्योंकि उसमें जो मतलब जहाँ पर वो हित समूह बनाया गया वहाँ पर क्या कई प्रकार की समस्या मौजूद है, तभी तो वो हित समूह बनाया गया। और अगर वो बड़े लेवल पे पता लग जाता है तो सरकार को खुद ही साफ नज़र आ जाता है कि भाई यहाँ पे एक हित समूह है
जो इस समस्या से जूझ रहा है, और इस समस्या को दूर करने के लिए ये ग्रुप बनाए गए। तो सरकार क्या करेगी, उसकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेगी और लोक नीति बनाएगी। दूसरा आता है अपना हित समूह के द्वारा सरकार को जो सूचना प्राप्त नहीं हो रही थी, ठीक है, हित समूह से पहले की बात करें, जो समस्या जो सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हो रही थी उस समूह के द्वारा, मतलब हित समूह के द्वारा सरकार को सूचना प्रदान की जाती है। सरकार को सूचना मिल जाती है खुद ही हित समूह जब कार्य करना शुरू करते हैं या फिर मांगे करना शुरू करते हैं तब। तीसरा, समाज में कई प्रकार की समस्या विद्यमान होती है, उन सभी समस्याओं का समाधान केवल सरकार के द्वारा ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरकार तो भाई कहाँ तक काम कर सकती है, क्योंकि देश जो है बहुत बड़ा, एक सरकार है अपनी केंद्रीय सरकार, ठीक है, माना कि राज्य सरकार भी है, लेकिन बहुत मतलब कि ये ना सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, इसलिए ना अलग अलग समूह भी क्या करते हैं, इनका साथ देते हैं, ठीक है, उन प्रॉब्लम को दूर करने में और इनके कार्यों में हाथ बटाते हैं इनके, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी जो लाभ थे ना या बेनिफिट वो यही है, एडवांटेज। बाकी अब पढ़ेंगे डिसएडवांटेज। तो देखो, हित समूह के योगदान की हानियाँ, अगर हित समूह का योगदान अगर होता है तो भाई कौन कौन से डिसएडवांटेज हो सकते हैं, हानियाँ हो सकती है, वो देखते हैं। हित समूह के द्वारा सरकार की समस्याओं को दूर किया जा सकता है, ठीक है, सरकार की जितनी भी समस्या उसको दूर किया जाता है। तो एक समय के बाद हित समूह और सरकार के बीच में संबंध स्थापित हो जाते हैं, मतलब वो भाई एग्रीमेंट कर लेते हैं और सरकार केवल हित समूह के लिए ही कार्य करती है। एग्रीमेंट हो जाता है कि हित समूह जो है इसके लिए काम, मतलब सरकार क्या करेगी अब इस हित समूह के लिए काम करेगी, एग्रीमेंट हो जाता है दोनों के बीच में। और वो क्या करते हैं, सरकार उस हित समूह के ऊपर ध्यान देती रहती है जिसमें वो जनता के ओर से भटक जाती है। हालांकि हम जानते हैं कि हित समूह जो जनता के द्वारा ही बनाया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस हित समूह में सारी की सारी जनता शामिल हो, ठीक है। अगर सरकार केवल एक ही हित समूह की ओर ध्यान देती रहेगी तो बाकी जनता को अगर नकार देगी तो ऐसे में समाज का कल्याण नहीं हो सकता। दूसरा है, हित समूह के अंतर्गत एक ही विचारधारा के लोग शामिल किए जाते हैं, ठीक है, परंतु जैसे समय बीतता जाता है, मान के चलो एक हित समूह 2014 में बनाया गया, ठीक है, गरीबी को दूर करने के लिए, वो चाहते हैं कि गरीबी को दूर करो या फिर शिक्षा का विस्तार करो, शिक्षा को फैलाओ, इसके लिए क्या बनाया गया है, वो बनाया गया ग्रुप बनाया गया, हित समूह बनाया गया कि हमें शिक्षा का विस्तार करना है, गरीबी को दूर करना है और अंग्रेजी शिक्षा को लाना है भारत में। तो इस प्रकार की मांग क्या कर रही है, जनता कर रही है कि हित समूह कर रहा है, कर ली। अब उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, हित समूह तो बन गया, उनकी विचारधारा भी एक है, क्या तीन मांग करी उन्होंने, गरीबी हटानी है, शिक्षा का विस्तार करना है, तीसरा अंग्रेजी शिक्षा भारत में शामिल करनी है, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, तो क्या हो गया, 2014 के बाद 2015-16-17 आ गया, अब 3 साल बाद तक वो क्या है, जो ये है समूह, वो मांग कर रहा था, सरकार को समझ भी है, सरकार को क्या है दिखाई भी दे रहा है कि ये हित समूह है जो मांग कर रहा है। अब क्या हुआ, कुछ जो हित समूह के अंदर लोग शामिल थे उसमें से एक ने क्या बोला कि अंग्रेजी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। अब क्या हो गया, उनके विचारधारा में अंतर आ गया, बाकी सब क्या कह रहे हैं कि अंग्रेजी शिक्षा होनी चाहिए, भारत में शामिल होनी चाहिए। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे 2017-18 आ गया, तो जो हित समूह के अंदर एक वो था व्यक्ति, उसने क्या कह दिया, अंग्रेजी शिक्षा नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे पश्चिमी दुनिया का विकास होगा, तो अब हमें अंग्रेजी शिक्षा भारत में नहीं चाहिए, हिंदी शिक्षा ही रहने दो, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो गया, हित समूह के विचारधारा में अंतर आ जाता है, जिसके कारण उनमें क्या हो जाता है, संघर्ष शुरू हो जाता है और उनको जो हित समूह है वह टूट जाता है। तो गाइज, अपना जो आखिरी क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है अपना, वो है लोक नीति के नेहरू के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मतलब कि नेहरू के दृष्टिकोण कैसे थे लोक नीति को लेकर, वो किस प्रकार की जो विचारधारा थी उसको मानते थे, वो पूंजीवादी विचारधारा को मानते थे या समाजवादी को मानते थे, तो इसके बारे में आपको ना पूरा आलोचनात्मक परीक्षण, मतलब एक तरीके से पूरा आपको नोट तैयार करना है, ठीक है। मतलब नेहरू के दृष्टिकोण के बारे में अगर आपके एग्ज़ाम में पब्लिक पॉलिसी ने जो इंडिया है उसके एग्ज़ाम में अगर कोई सा भी क्वेश्चन है नेहरू से रिलेटेड, तो आपको वो लिखना जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो देखते हैं और शुरू करते हैं यार टॉपिक, और बाकी ये लास्ट टॉपिक है, तो देखते हैं आप। तो देखते हैं और समझते हैं। आरंभिक काल में देखो, सबसे पहले का जो समय था उसमें ना, मतलब कि ये कोई प्रकार की जो व्यवस्था थी ना, समाजवादी, उदारवादी या पूंजीवादी, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। पहले क्या करते थे, आरंभिक समय में ना उद्योगपति बड़े बड़े निवेशकर्ता होते थे, वही राज्य का शासन चलाते थे, वही क्या करते थे अपने आसपास का जो एरिया वो कंट्रोल करते थे, ठीक है, जैसा कि इसमें बताया गया। फिर क्या हुआ, सबसे पहले जो ये जो सिस्टम आया ना, मतलब कि समाजवाद, पूंजीवाद और उदारीकरण वगैरह, ये सब जो है सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो निकल कर आया था वो समाजवाद का था, ठीक है, जो कि रूस से निकल कर आया। और रूस में कब आया था, जब रूस में क्रांति आई थी 1917 में,
तभी क्या हुआ, उसके बाद रूस की क्रांति के बाद अलग अलग देशों ने क्या करा, अलग अलग जो है तकनीक या तरीके बना लिए। जैसे समाजवाद, जो सरकार के मतलब चाहते थे कि सरकार के अंडर में सब कुछ है, वो समाजवाद में आ गया। जो चाहते थे कि कुछ ही कार्य केवल सरकार के अंडर में रहे, वो कम्युनिस्ट में आ गए या फिर उदारवाद के अंतर्गत आ गए। तीसरा जो था मतलब उसके बाद कौन आया, पूंजीवाद। पूंजीवाद के अंतर्गत क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये सभी कार्य जो होते हैं वो सभी व्यवस्था वो प्राइवेट या निजी हाथों में होती है। फिर उसके बाद जो है मतलब इन दो के मिलन से, जैसे कि समाजवाद और जो अपना पूंजीवाद है, दोनों के मिलने से मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कि भारत के द्वारा अपनाई गई है, इस प्रकार की व्यवस्था का विकास हुआ। तो ये सब है, बाकी थ्योरी की तरफ हम इसे जानेंगे, तो देखते हैं और शुरू करते हैं। आरंभिक काल में उद्योगपति, ठीक है, जो उद्योग के मालिक होते हैं और बड़े बड़े निवेशकर्ताओं जो इन्वेस्टर होते हैं, उनके द्वारा राज्य का शासन चलाया जाता था तथा राज्य पर नियंत्रण या कंट्रोल स्टेट पर क्या करते थे, वो कंट्रोल किया करते थे। फिर 1917 में रूस की क्रांति के बाद रूस में तथा कई देशों में समाजवादी क्रांति जो है उसका आगमन आया, ठीक है। समाजवादी क्रांति जो उभर कर आई, बहुत सारे लोगों ने मांग की कि सारी जो व्यवस्था वो सरकार के अंडर में कर दो या राज्य के अंडर में कर दो, जिसके अंतर्गत राज्य के अंदर आने वाली सभी प्रकार की व्यवस्था राज्य स्वयं देखता था, खुद देखता था, कोई व्यक्ति जो है पर्सनल नहीं देखे, कोई भी चीज़ प्राइवेट नहीं थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक बात है कि रूस जो है ना वो एक ऐसा कंट्री है जिससे ना नेहरू, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत ज़्यादा क्या थे, प्रभावित थे, ठीक है। वो रूस के जितने भी मतलब विद्वान है ना, लेनिन, मार्क्सवाद वगैरह, ये सब जो है इनके विचार ना ये सुनते रहते थे और उनके बारे में जानते रहते। जब भी वो रूस की यात्रा करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ठीक है, तो वो क्या करते थे, रूस की जितनी भी विचारधारा है ना, जो उनके अंतर्गत जो विद्वान है, रूस के अंदर जो विद्वान रहते हैं, उनकी विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो नेहरू ने ये मान लिया कि जब भी अगर हमारा देश आज़ाद होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि समाजवाद को लाया जाए, ठीक है। भारत के अंतर्गत किसको अपनाया जाए, समाजवादी व्यवस्था को अपनाया जाए। तो ये था नेहरूवादी जो दृष्टिकोण है, उसमें बस समाजवादी दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसके विपरीत ही उन्होंने अपना लिया जब भारत का क्या हो गया था, आज़ाद हो गया था। अब वो भी हम देखेंगे। देखो, जिसके अंतर्गत राज्य के अंदर आने वाली सभी प्रकार की व्यवस्था है, ठीक है, राज्य स्वयं देखता था। समय के बदलाव से, मतलब जैसे जैसे समय बदलता गया, चेंज होता गया टाइम, और भी विकल्प उत्पन्न हुए, केवल समाजवादी नहीं रहा, जैसे कि समाजवाद, पूंजीवाद और इन दोनों के मिश्रण से बनने वाला मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। समाजवाद, पूंजीवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो लोगों के पास दो ही विकल्प होते थे, बाकी तीसरा विकल्प तो दोनों के मिलन से बना है या मिश्रण से बना है। जब भारत आज़ाद हुआ, अर्थात मतलब स्वतंत्र हुआ या आज़ाद हुआ, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना, ठीक है, जिसके अंदर समाजवाद और पूंजीवाद दोनों के गुण क्या थे, निहित थे, मतलब शामिल थे। सन 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया था, तो भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर थी। भारत के अंतर्गत ना अनेक प्रकार की समस्याएं मौजूद थी, जैसे कि भारत में क्या हो गया था, धर्म के आधार पर दंगे हो रहे थे, ठीक है। भारत के अंदर मतलब कि हिंदू मुस्लिम के आधार, मतलब जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, इस प्रकार के दंगे हो रहे थे, तो ये समस्या थी, इसको भाई कैसे दूर किया जा सके, ठीक है। साथ ही साथ भारत में कृषि का पिछड़ापन, अब देखो लोगों का ना रोजगार का साधन केवल एक ही था, वो था कृषि। लोग क्या करते थे, मतलब वही उनके खान पान का जो था स्रोत था, और दूसरा वही रोजगार का स्रोत था कृषि। तो लोगों को बस कृषि के अलावा कुछ आता ही नहीं था। अगर उद्योगों की बात करें तो उद्योगों को उनकी पहचान ही नहीं थी, उद्योगों की, भारत के लोगों को, ठीक है, क्योंकि जो भी ब्रिटेन था ना अपने भारत में, जैसे कि अपन जब गुलाम थे ब्रिटेन के, तो क्या हुआ कि जितने भी उद्योगों का संचालन है वो बड़े बड़े व्यक्तियों के द्वारा किया जाता था, मतलब ब्रिटेन के लोगों के द्वारा किया जाता था, भारत को जरा सा भी उद्योग का अनुभव नहीं था, ठीक है। वो भारत के लोग क्या करते थे, बस कृषि या मजदूर के रूप में कार्य करते थे, पूरा भारत ही क्या कर रहा था, मजदूरी कर रहा था, कृषि में पिछड़ापन। तो जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, तो भारत को किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बस एक ही चीज़ का एक्सपीरियंस था, कृषि। 72% जो लोग हैं ना, ठीक है, पीपल, वो क्या करते थे, कृषि का कार्य करते थे, ठीक है, और उनके पास उद्योग नहीं थे। और अर्थव्यवस्था की गति रुक जाना, तो अर्थव्यवस्था की गति मतलब ठप हो गई थी एक तरीके से अर्थव्यवस्था। साथ ही साथ अनेक प्रकार की समस्याएं होती समाज में या देश में विद्यमान थी। भारत को सभी गरीब देशों की गिनती में ले लिया गया था, मतलब भारत भी क्या है, गरीब देशों में से एक है। स्वतंत्रता के समय, मतलब आज़ादी के समय, कई प्रकार की चुनौतियाँ विद्यमान थी, जैसे कि देश में लोकतंत्र तो स्थापित कर लिया गया था, ठीक है। भारत क्या जब आज़ाद हुआ था, भारत जब आज़ाद हुआ था तो लोकतंत्र स्थापित तो कर लिया गया था, लेकिन
लोगों का समर्थन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। लोकतंत्र तभी तो होगा जब लोगों का समर्थन होगा, ठीक है। तथा जनता के द्वारा सरकार चुनी जानी चाहिए, ठीक है। जनता ने क्या करा, अपने पसंदीदा सरकार को चुन लिया। साथ ही साथ अब एक और कार्य है, सरकार आने के बाद भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सरकार जो चुनी गई है ना, ठीक है, सरकार जब जनता के द्वारा सरकार चुन ली जाती है तो वह जो केवल जनता के लिए क्या करे, कार्य करे। जब सरकार क्या हुई है, जनता के द्वारा चुन ली गई है, तो जो भी सरकार हो वो जनता के लिए क्या करे, कार्य करे। अगर कोई जो सरकार है अगर स्वार्थ के लिए भावना से किसी प्रकार कोई कार्य करती है तो वो लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं होगी। तो इसमें क्या होता है कि जनता के लिए कार्य करे, अगर वो स्वार्थ के लिए भावना से किसी प्रकार कोई कार्य करती है तो लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं होगी, ठीक है। लोकतंत्र में लोगों का तंत्र होता है, लोगों का सिस्टम होता है, ठीक है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। भारत में निर्धनता बड़े लेवल पर थी तो उसको दूर करने के लिए भी सरकार के द्वारा कई प्रकार की नीतियाँ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इस प्रकार की समस्या भी देश में मौजूद थी, ठीक है, एक तरीके से गरीबी भी। ये सारी की सारी ना हम पता है कब पढ़ रहे हैं, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद की पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद क्या हुआ, भारत देश में एकता की बहुत ज़्यादा कमी थी। भारत में सभी लोगों में एकता की ज़रूरत थी, ठीक है, ये बताया गया। भारत में, भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भारत का आर्थिक विकास कैसे किया जाए, ये भी एक प्रकार की क्या थी, चुनौती थी। भारत में कृषि का पिछड़ापन तथा उद्योग की बहुत ज़्यादा कमी, क्योंकि उद्योग सारे के सारे ब्रिटेन के लोग लेके चले गए भाई। तो इस प्रकार की कमी को दूर करना भी भारत के लिए बहुत ज़्यादा या बहुत बड़ी चुनौती रही है। फिर आता है ऐतिहासिक तथ्य, मतलब हिस्ट्री के बारे में आप जानेंगे कि कौन कौन से आंकड़े या जो मतलब तथ्य हैं वो हमें मिले। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो विश्व में शीत युद्ध चल रहा था, ठीक है, शीत युद्ध मतलब कोल्ड वॉर चल रहा था। तो इस समय दुनिया दो भागों में बटी हुई थी, एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब अमेरिका का गुट था, अमेरिका के पास सेना बहुत ज़्यादा थी, और दूसरी तरफ सोवियत संघ जिसको हम USSR के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसको हम साम्यवादी देशों का ग्रुप भी कह सकते हैं। इसमें केवल कितने देश थे, 15 देश, ये 15 देशों का क्या था, समूह था। तो देखो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर आकर थी क्योंकि उसके पास सेना बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, और सोवियत संघ इसलिए डर रहा था अमेरिका से क्योंकि उसके पास सेना ज़्यादा है, ठीक है। अगर मैं सोवियत संघ जो है वो अगर इस पर अटैक करता है अमेरिका पे, तो भाई क्या पता सेना सोवियत संघ को ख़त्म कर दे। लेकिन अमेरिका को सोवियत संघ से क्यों डर लग रहा था, क्योंकि सोवियत संघ के पास क्या है, 15 देश है। अगर अमेरिका सोवियत संघ पे अटैक करता है तो 15 देशों पर अटैक होगा, हो सकता है कि उन अटैक होते समय कोई ना कोई देश बच जाए और वो अमेरिका पर वार कर दे। तो इसलिए दोनों ही देश क्या करते थे, एक दूसरे से डर रहे थे कि अगर हम क्या करेंगे, ये युद्ध करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, दोनों देशों को खतरा है, दोनों देशों को ही हानि होगी, और साथ ही साथ दोनों देशों को नहीं पूरे विश्व को हानि हो सकती है, क्योंकि इनका जो युद्ध होगा वो नॉर्मल सा युद्ध नहीं होगा, बहुत तगड़ा युद्ध होगा। 1940 के दशक में, ठीक है, जब ये शीत युद्ध चल रहा था ना, तो क्या हुआ, 1940 के दशक में एशिया के अलग अलग देश आज़ाद हुए थे। बहुत सारे जो थे एशिया के अंदर आने वाले बहुत सारे देश क्या हुए, आज़ाद हुए, जिनको गुलाम बनाया गया था, ठीक है, उनमें से भारत भी एक था, क्योंकि भारत भी ब्रिटेन से आज़ादी हुआ था, जैसे कि श्रीलंका, चीन, ठीक है, श्रीलंका भी आज़ाद हुआ था, चीन भी आज़ाद हुआ था, बाद में चल के मतलब बहुत सारे, पाकिस्तान भी एक तरीके से अलग देश बन चुका था। उन सभी देशों के सामने विकल्प था, भाई अब क्या है, दुनिया दो भागों में बटी हुई है, या तो अमेरिका के पास जाओ या तो सोवियत संघ के पास जाओ। देखो सभी देशों के पास एक सामने क्या था, विकल्प या चॉइस थी कि भाई वो किस गुट में जाएंगे, वे अमेरिका के गुट में जाएंगे या फिर सोवियत संघ के गुट में जाना चाहिए। तो दोनों के सामने मतलब हर देश के सामने क्या थी, दो विकल्प थे, अमेरिका के पास जाओ या तो सोवियत संघ के पास जाओ। फिर क्या हुआ, देखो बात ये आती है कि भारत जो है ना, भारत ने क्या करा, या फिर नव स्वतंत्र देश जो भी आज़ाद हुए देश हैं, उन्होंने क्या करा, एक मिलकर ग्रुप बना लिया। वो ग्रुप क्या कहलाता था, नाम मतलब कि गुट निपेक्षता का ग्रुप बना लिया उन्होंने। गुट निपेक्षता का मतलब होता है कि किसी भी गुट में शामिल ना होना, ना अमेरिका में शामिल हो ना सोवियत संघ में, क्योंकि अगर कोई देश सपोज कि चीन है, चीन आज़ाद हो गया, श्रीलंका भी आज़ाद हो गया, पाकिस्तान भी बन गया और भारत भी है, बाकी और भी देश है, ठीक है, तो क्या है, मान के चलो उनमें से चीन जो है वो अमेरिका के पास चला गया, भारत वो सोवियत संघ के पास चला गया। तो इसमें क्या होगा कि भारत जो है ना सोवियत संघ के पास है, तो वो अमेरिका की जितनी भी सहायता है ना वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ना भारत, देखो मान के चलो दो ग्रुप है इसमें, तो अमेरिका और सोवियत संघ, अब भारत किसकी साइड है, सोवियत संघ की साइड,
तो भारत केवल सोवियत संघ से ही हेल्प मांग सकता है। अगर भारत कभी मुसीबत में आ जाता है तो वो किससे हेल्प मांगेगा? हमेशा सोवियत संघ से, ठीक है। लेकिन वो जो प्रॉब्लम है केवल कौन सॉल्व कर सकता है? अमेरिका। लेकिन अमेरिका उसकी सहायता करेगा नहीं, क्योंकि भाई वो किसका ग्रुप में है? सोवियत संघ की। अमेरिका का दुश्मन है वो, तो भारत भी उसमें से एक दुश्मन बन जाएगा उसका। तो इसमें क्या होता है कि गुट निरपेक्षता में किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, तो भाई दोनों देशों को बुरा ही नहीं लगेगा कि ना भाई अमेरिका के पास है ना सोवियत संघ के पास है, दोनों ही देश क्या होंगे, आर्थिक सहायता या किसी प्रकार की सहायता में तुम्हारा साथ देंगे। गुट निरपेक्षता के जितने भी देश है ना, अमेरिका और सोवियत संघ उसका साथ देते हैं। तो एक तरीके से ना इनके लिए फ़ायदा हो गया गुट निरपेक्षता बनाने पर, ना वो अमेरिका में शामिल हुए ना वो सोवियत संघ में शामिल हुए, जो नवस्वतंत्र देश है, ठीक है। इस प्रकार वो दोनों देशों से क्या ले सकते थे? किसी प्रकार की सहायता ले सकते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब शीत युद्ध को 20-30 साल हो गए 1970 के बाद, 71 की बात अगर हम करें 1971 की, तो भारत ने क्या कर लिया, सोवियत संघ के साथ ना मित्रता की संधि कर ली। कितने साल के लिए? 20 साल के लिए मित्रता की संधि कर ली, और सोवियत संघ के कई संसाधनों का यूज़ भी किया भारत में, ठीक है। बल्कि वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, बल्कि भारत में क्या आ गई थी, कुछ विकट स्थिति आ गई थी जिसके कारण उसे सोवियत संघ से मित्रता की संधि करनी पड़ी, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, इतना तो आपको समझ आ गया होगा, बाकी ये 12th का ही है, तो और देखते हैं और समझते हैं। 1940 में आज़ाद हुए एशिया के नौ स्वतंत्र देशों ने एक तीसरा विकल्प बनाया जिसे गुट निरपेक्षता का नाम दिया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसका मतलब होता है कि किसी भी गुट में शामिल ना होना। अमेरिका के गुट में शामिल होना है? नहीं, ठीक है। सोवियत संघ के गुट में शामिल नहीं होना है, तो किसी गुट में शामिल नहीं होना है। इससे गुट निरपेक्षता की नींव, अब देखो इससे ना, मतलब गुट निरपेक्षता की जो नींव है ना, वो सन 1955 में, मतलब 1955 में रखी गई थी। तो इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1961 में हुआ था, बेलग्रेड में। अब देखो ये जो है नींव भी पता लग गई है हमें, 1955 में नींव रखी गई थी और इसका पहला सम्मेलन 1961 में रखा गया था। अब इसके बाद देखो गुट निरपेक्षता की जो संस्थापक है, वैसे देखो इसके सदस्य तो 100 से पार हैं, ठीक है। 125 जो है ना 2016 जब आया था, जब मोदी जी प्रधानमंत्री थे, तो उस समय ना गुट निरपेक्षता में ना, मतलब 100 से ज़्यादा क्या 125 देश शामिल हो गए थे। देखो बहुत बड़ी संख्या में देश क्या है गुट निरपेक्षता में शामिल हो चुके हैं, और आज भी इसकी प्रासंगिकता मानी जाती है, ठीक है। हालांकि गुट निरपेक्षता जो है वो तब बनाया गया था जब शीत युद्ध चला था, लेकिन आज भी इसकी प्रासंगिकता खत्म नहीं हुई है। प्रासंगिकता मतलब होता है कि इम्पोर्टेंस जो है ना इसकी आज भी बरकरार है, आज भी हमें गुट निरपेक्षता की जरूरत है, ठीक है। तो गुट निरपेक्षता के जो संस्थापक देश है वो मेनली कितने? 5 माने जाते हैं, जिनमें से भारत भी क्या एक है। फिर इसके बाद बात करते हैं भारत की आज़ादी से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू रूस से बहुत ज़्यादा ही प्रभावित थे, और उसके द्वारा समाजवादी व्यवस्था को अपनाया गया था। रूस ने समाजवादी व्यवस्था को अपनाया था, तो भारत भी क्या हुआ, सोचा कि मैं भी समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है व्यवस्था अपनाऊंगा, ठीक है। बेहद रूस की जो मतलब, तो बेहद रूस की समाजवादी व्यवस्था से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। सन 1928 में, थोड़ा सा हम क्या कर चलते हैं, पीछे चलते हैं, देश की स्थिति कुछ विपरीत थी। मतलब कैसी थी? देखो उत्पादकता की दर ना बढ़ रही थी, मतलब प्रोडक्शन क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, लेकिन लोगों के द्वारा जो की जाने वाली मांग है, डिमांड है, वो बहुत कम थी, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा है, माल तो बहुत ज़्यादा, लेकिन उसकी जो मांग है या डिमांड है वो बहुत कम है, तथा देश में आर्थिक मंदी छा गई, ठीक है। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन मांग कम हो रही है, लो खत्म बात। फिर क्या होगा, देखो आगे बोला गया, सन 1928 से 32 के बीच में पंचवर्षीय योजना का अपना लिया गया था। पंचवर्षीय योजना जो है ना अपना ली गई थी, ठीक है, साम्यवादी देशों में। फिर उसके बाद देखो, सबसे पहले 1928 से 32 के बीच में पंचवर्षीय योजना जो थी अपनाई लगी थी। फिर उसके बाद बात करें ना, जब भारत आज़ाद हो गया था कुछ सालों के बाद 1947 में, जब हमारा देश भारत जो था वो आज़ाद हो चुका था, उसके बाद 1951 में भारत ने भी पंचवर्षीय योजना का रास्ता अपना लिया था। देखो भारत ने भी क्या करा, पंचवर्षीय योजना का रास्ता अपना लिया। भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, तो वो तो कॉपी कर रहे हैं रूस की तरह, लेकिन एक तरीके से बहुत अच्छा काम करा है इन्होंने। अब देखते हैं आगे, नेहरूवादी राज्य की अवधारणा। नेहरूवाद जो है, मतलब नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो राज्य के प्रति अवधारणा थी वो कैसी थी, वो हम देखेंगे। जब सन 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया, तो उसके बाद राज्य की विचारधारा समाजवादी थी, ठीक है, जिसमें अधिक से अधिक व्यवस्था सरकार या फिर राज्य के अंतर्गत आती थी। समाज में विकास करने के लिए केंद्रीय योजना का भी बहुत ज़्यादा जरूरी थी, ठीक है। भोजन, कपड़ा, मकान आदि की उपलब्धता करवाना, गरीबी का उन्मूलन करना या ख़त्म करना गरीबी को, समाज में असमानता का अंत करना, आर्थिक तौर पर असमानता जो भी है उसको
कम करने का प्रयास करना, इन सभी के लिए योजना का निर्माण किया गया था। सन 1950 में भारत में केंद्रीय योजना की जो स्थापना है वो की गई थी। केंद्रीय योजना जैसे कि पंचवर्षीय योजना का वहाँ पर रास्ता बनाया गया था, 1950 में केंद्रीय योजना की जो स्थापना है वो यहाँ पर कर ली गई थी। इसका नाम बदलकर बाद में क्या रख दिया गया, जब मोदी जी का शासनकाल अभी भी चल रहा है, तो मोदी जी ने क्या करा, योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया, नीति आयोग रख दिया। ठीक है, योजना आयोग को आज किस नाम से जाना जाता है, नीति आयोग, कुछ भी नहीं है, बस नाम चेंज हुआ है, योजना आयोग से नीति आयोग बना दिया। अब देखो, भारत के द्वारा जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से 1956 में चली थी। ठीक है, जिसकी देख रेख या नेतृत्व किसने किया था, के कामराज के द्वारा किया गया था। अब भाई ये जो पंचवर्षीय योजना बनाई गई है, मतलब 5 वर्ष के लिए बनाई जाती है। ठीक है, जैसे कि साम्यवादी देशों ने पंचवर्षीय योजना का रास्ता अपनाया था, वैसे ही किसने अपना लिया, भारत ने भी। ठीक है, वो केंद्रीय योजना जो है आयोग या नीति आयोग की स्थापना की गई थी। फिर उसके बाद जो है पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 के बीच में के कामराज के द्वारा बनाई गई थी, और तो जिसका जो मकसद था, उद्देश्य था, वो कृषि को बढ़ावा देना था, मतलब कृषि का विकास करना, ये जो था इसका लक्ष्य था। और कृषि के विकास के लिए कई प्रकार के जो बीज वगैरह होते हैं HYBS, ये प्रोवाइड किए गए, जो सस्ते बीज होते हैं सरकार कम कीमत पर क्या करती है, उपलब्ध कराती है, ताकि जो किसान है वो कृषि का विकास कर सके। ठीक है, और अधिकतर जनसंख्या जो होती है आज़ादी के बाद भी 72% जो अपना पॉपुलेशन है वो, भारत की पॉपुलेशन वो क्या थी, कृषि पर आधारित या निर्भर थी। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना चली, फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी ना वो भी 5 वर्ष के लिए थी। पंचवर्षीय योजना का मतलब ये होता है 5 वर्ष के लिए जो योजना बनाई जाती है। फिर उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है PC महानलोबिस के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, इसका नेतृत्व PC महानलोबिस ने किया था। फिर इसके अंतर्गत क्या देखा गया था, देखो पहली पंचवर्षीय योजना जो के कामराज ने चलाई थी कृषि का विकास करने के लिए, वो बहुत धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे कृषि का विकास करना है, ये कहते थे वो। पंचवर्षीय योजना जो दूसरी बनी वो PC महानलोबिस के द्वारा बनाई गई थी, और इसमें उन्होंने किसको बढ़ावा दिया, उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया, कि हमें उद्योगों का विकास करना है। ठीक है, उद्योग के विकास पर बल देना, और ये ना धीरे धीरे करने, धैर्य के साथ तेज़ी से करते रहे। ठीक है, धीरे धीरे वो उद्योग का विकास नहीं करना, एकदम स्पीड में कर दो। तो ऐसा मानना था PC महानलोबिस का दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो ये आप लिख सकते हो, मैंने बस पॉइंट ही लिखे, आपको क्या करना है, इसको डिस्क्राइब करना है और एग्ज़ाम में इसको ओपन करके लिखना है, अगर नेहरूवाद के ऊपर या नेहरू से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो। फिर उसके कुछ सालों के बाद, मतलब 1966 में, ठीक है 1966 में क्या हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद ना, मतलब कुछ समय तक ना जो प्रधानमंत्री का पद था वो खाली रहा। फिर उसके कुछ समय के बाद जो थे नए प्रधानमंत्री बने। फिर उसके बाद एक समय आ गया 1990 का, ठीक है 1990 या 91 के समय क्या हो गया था कि शीतयुद्ध जो था वो अंत पर था, शीतयुद्ध का अंत होने वाला था। अब शीतयुद्ध का अंत हो गया, वो साथ ही साथ ना भारत ने क्या करा, नई आर्थिक नीति जो थी, ठीक है नई आर्थिक नीति उसको अपना लिया। ठीक है, और उसके अंतर्गत ना 3 प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रखा गया था, पहला उदारीकरण, दूसरा निजीकरण, तीसरा वैश्वीकरण। तो इन तीनों पर क्या किया था, ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया गया था, सरकार के कार्यों में कटौती की गई थी, लघु उद्योग जो थे, ठीक है लघु उद्योग को स्थापित किया गया था ताकि ना जो विकास है वो किया जा सके। तो नई आर्थिक नीति के अंतर्गत बहुत कार्य किए गए थे। बाकी आपको ना ये 3 पॉइंट जो है ना, ठीक है जो 3 पॉइंट है LPG, वो मतलब इसका मतलब होता है कि निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण। ठीक है, इसके बारे में आपको क्या करना है, डिटेल मतलब कि इसको बड़ा चढ़ा कर आपको एग्ज़ाम में लिखना है। बाकी इसके ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ, ठीक है ये हमने 4th या 5th सेमेस्टर में पढ़ी थी LPG के बारे में। तो इसके बारे में बताना ज़रूरी नहीं है कि वैश्वीकरण के भी बारे में आपको सबको पता है। बाकी जिसको नहीं पता वो कमेंट में मेरे को बता सकता है, मैं उसको मतलब कि कमेंट में ये एक लिंक प्रोवाइड करूँगा, उस पर क्लिक करके आप तीनों की वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, बाकी इतना मेन टॉपिक नहीं है क्योंकि इसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के बारे में बताना है। उदारीकरण में सरकार के कार्यों में ढील दी जाती है, ठीक है निजीकरण में क्या होता है सारी चीज़ें प्राइवेट कर दी जाती है, जितनी भी चीज़ें सरकार के अंडर में थी अब वो सारी चीज़ें क्या होगी, पलट कर निजी हाथों में आ जाएगी, निजी स्वामित्व हो जाएगा। ठीक है, पहले खेत, कृषि, उद्योग वगैरह सरकार के अंडर में थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, निजीकरण आ गया, तो सारी चीज़ें अब किसके अंडर में आ जाएगी, निजी हाथों में आ जाएगी। वैश्वीकरण के अंतर्गत क्या होता है, जितने भी विचार होते हैं, ठीक है कोई भी चीज़ वस्तु हो गई या कोई विचार हो गए या कोई आइडिया वगैरह, जितनी भी चीज़ है ना
उसका विश्व में क्या होता है, एकीकरण कर दिया जाता है, उसको वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, अब वो पूरे विश्व में क्या हो सकती है, एक चक्र की तरह घूम सकती है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ये वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण के बारे में तो बहुत ज़्यादा हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये सिंपल सा ही टॉपिक है, बाकी इसके साथ ये जो अपनी यूनिट है वो कंप्लीट हो जाती है और सिलेबस भी जो है वो अपना कंप्लीट हो जाता है। गाइस इसी के साथ अपना जो जो मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में 100% आने के चांसेस है वो कंप्लीट हो जाते हैं, और बाकी इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखकर ही आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।